I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law Wala channel. And yes, we are live today. Foundation batch ki jitne bhi classes hai, wo aapko recorded mil rahi hai. But rahi baat, agar one shots ki, that is complete minor law sessions, hum log one shot mein complete karne wale hain aur wo sabhi classes lagbhag aapki live hone wali hain. Aur live session ka timing rehne wala hai 6 PM. So I hope aap sabhi students jur chuke hain. Aaj hum one shot mein deal karne wale hain Probation of Offenders Act 1958. जो कि गुजरात जुडिशरी एज वेल एज राजस्थान जुडिशरी का पार्ट रहता है. अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो स्टूडेंट्स एक बार थम्स अप करेंगे कि यस मैम, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है. कहीं पर भी ऑडियो में दिक्कत है तो डू लेट मी नो. यस, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर? किंजल जी, शुचि जी, ज्योति जी, भारत जी, शिवानी जी, कृति जी, अंजलि जी, बुशरा जी, वेलकम टू द क्लास. एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे टेक चेक दे देंगे कि मैम ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे. क्लियर? यस कृति जी, राहुल जी, वेलकम टू द क्लास. ऑडियो वीडियो सब क्लियर? ऑल ओके. चलो, बट मुझे मेरी ही क्लास मेरे फोन में चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है. आई कैन सी योर कमेंट्स बट आई कैन नॉट सी माई सेल्फ स्पीकिंग. चलो कोई बात नहीं. सारे स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखेंगे, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो आज हम डील करने वाले हैं, ये डील करने के बाद आपको नोट्स बनाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास में हम इतने सफिशियंट नोट्स बनाएंगे कि आपको अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस सेशन की खासियत, या मैं कहूं कि जितने भी लाइव सेशंस जो वन शॉट इस लॉ वाला चैनल पे आने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से अश्योर कर दूं कि आफ्टर सीइंग दीज वन शॉट माइनर लॉज, आपको कोई अलग से पर्टिकुलरली दीन इन सब्जेक्ट्स के लिए पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज आई विल मेक श्योर जितने भी वन शॉट्स होंगे उसको मैं इन डेप्थ प्लस नोट मेकिंग्स के साथ साथ डील करने वाली हूँ. यहाँ पे सेशन में हम हर सेक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे. सेशन ओवर होने के बाद आप यहाँ की पीडीएफ कहाँ से जाके लेंगे? पीडब्ल्यू ऐप से जाके ले लेंगे. अब ये सेगमेंट प्रिलिमिनरी प्लस मेंस दोनों ओरिएंटेड है. अगर आपके नोट्स प्रिलिमिनरी वाइज अच्छे बन चुके हैं तो वही नोट्स आपके मेंस में भी काम आ जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट यू हैव और यू डेवलप अ स्किल ऑफ राइटिंग आंसर. मेंस इज व्हाट? मेंस इज समथिंग जिसे हम कह सकते हैं कि एडिशनल आपकी कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है या आपका एक आंसर राइटिंग चेक है. प्रिलिमिनरी में जहां पे आप सिर्फ ऑप्शंस मार्क करते हो, मेंस में यू शुड नो हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर. ओके, क्लियर है? यस सुची जी, वो इन डेप्थ प्लस बेसिक्स दोनों है. सीआरपीसी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है. मैं आपको बता दूं, अगर मुझे रैपिड सीआरपीसी करना होता तो मैं शायद 3.5-4 घंटे में कर देती, या फिर जिस तरीके से रैपिड रिवीजन नीति बैच में किया था, 4 कैप्सूल में हमने सीआरपीसी फिनिश कर दिया था. बट दैट वॉज अ रैपिड रिविजन, इट डिड नॉट हैड एनी बेसिक्स और इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. लेकिन बात करिए अगर हम फाउंडेशन बैच की जो अभी चल रहा है, कहां पर हमारे लॉ वाला पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पूरा डिटेल्ड है एंड दैट इज सफिशियंट फॉर यू. बस प्रोवाइडेड कि आप उसे रोज देखते जाएं. और मैं आपको साफ साफ ऑनेस्टली बता दूं कि सीआरपीसी की लगभग 50-55 क्लासेस होने वाली हैं. तो लगभग आपका सीआरपीसी अप्रैल में जाके फिनिश होगा. उसके बाद मैं इंडियन एविडेंस एक्ट शुरू करूंगी जिसकी भी लगभग 45 क्लासेस मिलने वाली है. सो आपको अच्छे से अनुमान लग सकता है कि किस लेवल तक फाउंडेशन बैच आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है. दिस इज अ नो कॉस्ट बैच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए. यस पीडब्ल्यू मने फिजिक्स वाला. ठीक है वैशाली जी, भारत जी, चलो शुरू करेंगे आज का सेगमेंट. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. पहले तो ये समझो कि ये एक्ट हमें पढ़ना क्यों है. ये एक्ट हमें इसलिए पढ़ना है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे इस एक्ट में एक बेनिफिट मिल रहा है. कोई भी रेमेडी नहीं बोलेगा. रेमेडी कब होता है? जब आप खुद से लेने जाते हो, कुछ आपके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, आप रेमेडी लेने जाते हो. लेकिन ये एक बेनिफिशियरी स्टैट्यूट है जहां पे बेनिफिट मिलता है किसको? ऑफेंडर को. मैं ऑफेंडर कहूंगी या फिर मैं कन्विक्ट कहूंगी. मैं कभी भी यहां पे अक्यूज्ड नहीं कहूंगी. क्यों? क्योंकि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो गया है या फिर हमारा सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी हो गया है. इनका बेनिफिट किसको मिलता है? इनका बेनिफिट हमेशा एक ऐसे पर्सन को मिलता है जो कि गिल्टी पाया गया है. ये दोनों ही प्रोविजंस कब अप्लाई होते हैं? जब ट्रायल हो जाता है और उसके बाद जजमेंट सुनाया जाता है. ऑन द हियरिंग ऑफ द सेंटेंस, ये प्रोविजंस का बेनिफिट एक कन्विक्टेड पर्सन को बताया को दिया जाता है. इंटरव्यू में गलती से भी आप कौन सा वर्ड यूज नहीं करेंगे? अक्यूज्ड
यूज नहीं करेंगे। आपको कन्वेक्ट वर्ड ही प्रेफर करना है आंसर लिखते वक्त भी और जवाब देते वक्त भी। क्लियर है ये चीज? ओके, सीपीसी स्टार्ट हो चुका है शुजी जी, इसरा मैम इज टेकिंग। ओके क्लियर, चलो। और क्लास की पीडीएफ लेते रहा करो, मैं नोट्स बनवाते जा रही हूँ सीआरपीसी के साथ ही साथ रीडिंग भी कर रही हूँ बेरेक्ट की, ठीक है? तो सीआरपीसी के सारे ही चैप्टर्स होने वाले, ऐसा नहीं है कि मैम मिसलेनियस छोड़ देंगी या फिर मैम ऐसा कोई सेगमेंट है सिक्योरिटी का छोड़ देंगे, बेल बॉन्ड का छोड़ देंगे या फिर जनरल प्रोविजंस, नहीं, सब कुछ होने वाला है। 484 सेक्शन सीआरपीसी के सारे होंगे, ठीक है? पॉइंट क्लियर। और साथ ही साथ आज के सेशन में क्या डील करेंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि माइनर लॉस का टाइम टेबल क्या होने वाला, स्केड्यूल क्या होने वाला है, ठीक है? पहले ये समझेंगे कि आज के डेली टारगेट्स में हम प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले हमें उसका ऑब्जेक्टिव समझना है। ऑब्जेक्टिव कैसे समझते हैं किसी भी एक्ट का? उसका टाइटल देख के, है ना? फिर हम समझेंगे कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बेसिक्स क्या हैं, जैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं या फिर टोटल सेक्शंस कितने हैं, कमेंसमेंट डेट क्या है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन, ये दो पॉइंट्स आपको हर एक्ट में अच्छे से आने चाहिए। देन वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन नंबर 1 to 19, सारे प्रोविजंस को चार्ट फॉर्मेट में डील करेंगे। एंड लास्टली सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड सेक्शन नंबर 360 ऑफ सीआरपीसी को कंपेयर करेंगे। सेक्शन नंबर 360 ऑफ सीआरपीसी को मैं यहाँ डील करने वाली हूँ और उसका एक डिफरेंस टेबल भी बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में मेंस में पूछा जाता है। सो दिस सेशन इज नॉट जस्ट प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड, दिस सेशन इज आल्सो मेंस ओरिएंटेड एंड फाइनली कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस पढ़ने वाले हैं। बराबर, ये रहने वाला है हमारा लगभग 12 अप्रैल तक का टाइम स्केड्यूल। तो मैंने अगले एक महीने तक का टाइम स्केड्यूल बता दिया है, आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी डील होते रहेंगे साथ में। आज हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ले रहे हैं, कल हम एनआई एक्ट लेंगे चैप्टर नंबर 17 को, आरजीएस के पॉइंट से डील करेंगे क्योंकि आरजीएस में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 17 आता है। फिर गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ आएगा 20 मार्च को, 22 को इमोरल ट्रैफिकिंग, कंप्लीट एनआई एक्ट जो कि एमपीसीजे के स्टूडेंट्स प्लस गुजरात के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 24 मार्च को, 26 मार्च को कंप्लीट एसआरए। ठीक वैसे ही आपको एसआरए पढ़ाऊंगी जैसे मैं आपको पहले पढ़ाया करती थी, ठीक है? रेगुलर प्लस क्लासेस, तो उसी तरीके से वन शॉट में लगभग 3 to 4 hours की वो क्लासेस रहेगी जहां पे स्पेसिफिकली मैं जोर लगाने वाली हूँ सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 19 पे, जो कि स्टूडेंट्स को जनरली समझ नहीं आता है विद एग्जांपल्स। ओके, लिमिटेशन एक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ कौन कौन से आर्टिकल्स है, कैसे आपको टाइम लिमिट याद रखनी है, वो 28 मार्च को होगा। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आरजेएस प्लस गुजरात दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कि मैंने इंटेंशनली 2 अप्रैल को रखा है, जिस दिन क्या है, संडे है, तो ये टीपी एक्ट की फिर से एक बहुत अच्छी और शायद और एडवांस्ड और मेरी साइड से एक और लंबी क्लास होने वाली है जहां पे मैं आपको फिर से एक शानदार तरीके से टीपी एक्ट पढ़ाऊंगी। हिंदू लॉ सारे ही चार जो हमारे पर्सनल लॉज है इसमें कवर होंगे। मुस्लिम लॉ कवर होगा 6 अप्रैल को। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो कि आरजेएस का पार्ट है, इसमें प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग इंटरप्रिटेशन सब कुछ बताऊंगी जो कि आपके जेएलओ के सेगमेंट से भी इंपॉर्टेंट रह सकता है 8 अप्रैल। देन वी आर गोइंग टू हैव इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 10th and 12th अप्रैल, जो कि बिहार और गुजरात दोनों में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? तो आपके गुजरात के एग्जाम से पहले, आपके बिहार के एग्जाम से पहले मैं ये सारा माइनर लॉ का सेगमेंट खत्म करवा दूंगी। 30 अप्रैल से पहले पहले हो जाएगा। बचा आईटी एक्ट, कमर्शियल लॉ और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन, उसका टाइम टेबल मैं आगे बना दूंगी। बराबर है ये चीज? चलो, रोज 6 PM रहने वाला है राहुल जी। ऑल्टरनेट डेज मैंने लगाया है सो दैट आई ऑल्सो गेट सफिशियंट टाइम टू प्रिपेयर एक्सट्रीमली वेल एंड यू ऑल्सो स्टूडेंट्स गेट सफिशियंट टाइम टू मेक द नोट्स ऑफ द प्रीवियस सेगमेंट। बराबर, क्लियर? चलो, रोज 6 PM मीना जी, ये जितना भी टाइम ड्यूरेशन मैंने दिया है ये 6 PM रहेगा शाम को। कोई क्लास हो सकता है, मान लीजिए टीपी एक्ट की, तो मैं शाम को हो सकता है उस दिन संडे को शाम को 6 बजे ना लेके सुबह 10 बजे ले लूँ, क्योंकि क्योंकि संडे है तो सुबह लेंगे और क्योंकि सेशन लंबा हो सकता है 5-6 घंटे का, तो रात को 12 बजे तक आप थक जाओगे, तो हम सुबह में ले लेंगे, ठीक है? बराबर है, चलो फटाफट से शुरू करेंगे आज का हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम एक कन्विक्ट को बेनिफिट दे रहे हैं, कहां जरूरत है कन्विक्ट को बेनिफिट देने की, वो तो ऑफेंस कमिट करके आया है एंड वी नो कि हमारी सोसाइटी कभी भी क्रिमिनल को तो एक्सेप्ट करती ही नहीं है। हम अपने घर में खुद में क्रिमिनल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, देन व्हाई द कोर्ट्स और द पार्लियामेंट हैज इनएक्टेड सच अ लॉ गिविंग द बेनिफिट टू द कन्विक्ट्स। देखो, एक थ्योरी थी ना, गांधी जी भी एक थ्योरी में मानते थे, दैट इज हेट द क्राइम बट नॉट द क्रिमिनल्स। क्या मानते थे? हेट क्राइम नॉट क्रिमिनल्स।
आपको अपराध से घृणा होनी चाहिए, ना कि अपराधी से, क्योंकि अगर आपने अपराधी को रिफॉर्म कर दिया तो वो आगे क्राइम नहीं करेगा, इस चीज की हम श्योरिटी ले सकते कहीं ना कहीं। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हमारे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जहां पे उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। रजनी जी, यहीं पर लॉ वाला पर आपको सारी YouTube क्लासेस मिलने वाली है, जो मैंने स्केड्यूल बताया, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और YouTube पर ही मिल रहा है। एंड एक चीज जो मिथ चलता है, जो शायद मैं आपकी जगह होती तो भी मानती, कि फ्री होता है तो शायद एफर्ट्स नहीं लगाएंगे टीचर, लेकिन बात अगर मेरी आ जाए, बात आपकी शिवानी मैम की आ जाए, तो फ्री अगर कोई चीज मिल रही है तो भी मैम ये इंश्योर करेगी कि कभी कोई पॉइंट मैं छोड़ू नहीं। ऐसे नहीं आधी क्लास यहाँ ले ली, आधी क्लास ऐप पे लेके जा रही हूँ, नहीं, जो देना है मैं यहीं दूंगी और फुल दूंगी। अगर मुझे आधा देना तो छोड़ो, फिर मैं यहाँ क्यों, फिर मैं ऐप में ही दे देती हूँ, राइट? ताकि बच्चे थोड़े गुमराह ना हो, उनको जो मिले एक ही जगह पे मिल जाए, एक ही स्ट्रोक में मिल जाए। इफ आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी एनी कंटेंट ऑन यूट्यूब, तो मैं भी उसी पे क्लिक करूंगा जहां मुझे पूरा कंटेंट मिल रहा है, बराबर। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? रिहैबिलिटेशन करना है हमारे ऑफेंडर का, आपको उसका पुनर्निवास करना है एक अच्छी सोसाइटी में, क्योंकि एक सोसाइटी कभी भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं कहूं कि ऐसे लोग जिनका बिहेवियर एबनॉर्मल है, व्हाट इज एबनॉर्मल बिहेवियर? एबनॉर्मल बिहेवियर इज समथिंग व्हिच इज नॉट नॉर्मल, समथिंग व्हिच योर सोसाइटी विल नेवर एक्सेप्ट, जहां पे पुअरली आप एडजस्ट कर रहे हो। अब देखो, एबनॉर्मल बिहेवियर में कभी लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, कभी बहुत ज्यादा एंगर आता है उनको, कभी बहुत डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, कभी कोई मेंटल रिटार्डेशन से गुजर रहा है, तो ऐसे लोगों के साइड से क्राइम करना ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि ऐसे लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं। तो इन सारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स को रिमूव करके उसे एक सोसाइटी में रहने योग्य बनाना रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स की कैटेगरी में आता है। अब मैंने आपको थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बता दिया, क्योंकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एग्जाम था तो वो चीजें थोड़ी याद रह गई, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, विच इज अ रेलेवेंट पॉइंट। ओके, क्लियर? थैंक यू प्रिया जी। सेकेंड इज रिफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर। यहाँ पे रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन में फर्क है। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या? आप उसे सोसाइटी में पुनर्स्थापित कर रहे हो, जैसे हम लोग घर में वापस ले आते हैं ना, पुनर्स्थापित कर रहे हैं। रिफॉर्मेशन मीन्स उसको इंटरनली हम रिफॉर्म कर रहे हैं, उसके मन को हम साफ सुथरा बना रहे हैं, उसको इंटरनली ये चीज एहसास करवा रहे हैं कि भैया जो तुम कर रहे हो वो गलत है। सो उसका मन रिफॉर्म होना जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इफ हम किसी कन्विक्ट को हार्ड कोर क्रिमिनल्स के साथ रखते हैं, तो हम कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना? अगर आप किसी पर्सन के साथ रहोगे तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो अगर हम किसी नॉर्मल कन्विक्ट को जो 3 साल 5 साल का ऐसा कोई ऑफेंस करके गया, या थेफ्ट कर लिया, या 2 ईयर्स का ऑफेंस कर लिया, उसे अगर हम टेररिस्ट के साथ रख रहे हैं, रेपिस्ट के साथ रख रहे हैं, मर्डरर्स के साथ रख रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जब वो ऐसे ही लोगों के साथ रहेगा तो उस पे और बुरा असर पड़ने वाला है। सो वी हैव टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम कन्वर्टिंग इनटू अ हार्ड कोर क्रिमिनल। ये चीज देखी गई है। ओके, सो कभी भी अगर हम ये सोचते ना, जेल जाएगा इंसान सुधर के आएगा, बहुत ही कम ऐसी सिचुएशंस होती है कि आपके जेल में भेजे हुए व्यक्ति सुधर जाते हैं, क्योंकि उनको उनके जैसे ही लोग ज्यादा मिल जाते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए लोग वहां पे ज्यादा होते हैं। सो इट इज ऑलवेज वेरी नेसेसरी दैट यू चूज योर कंपनी और पीपल अराउंड यू और फ्रेंड्स वेरी यू नो कॉशियसली। कैसे लोग आपके आसपास हैं वो डिसाइड करेगा कि आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी। एंड ये कहीं ना कहीं आपने अपने एग्जाम्स में भी देखा होगा, व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग टू गिव सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो ऑलवेज हैव योर फ्रेंड सर्कल और पीपल अराउंड यू सच जो कि एम को लेके बहुत सीरियस है। कई बार हम ऐसे दोस्त या ऐसी संगति में रहते हैं जो कि थोड़ा एमलेस है या बहुत चिल पिल है ना, बहुत ही अपने कन्वीनियंट जोन या कंफर्टेबल जोन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो हम भी थोड़े वैसे हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जिन लोगों पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों से हम रिलेशन रखते हैं, वी फील कि वो सही कर रहे हैं तो शायद हम भी सही कर रहे हैं। सो ऑलवेज चूज सच फ्रेंड्स हु क्रिटिसाइज यू, और आप उस क्रिटिसिज्म को थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए। ठीक है, क्लियर है? रिया जी आएगा, जल्दी आएगा, एंड इसके बारे में आपको लगभग महीने भर में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, दीहू जी, प्रियंका जी, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव इतने अच्छे तरीके से क्यों बताया, क्योंकि मेंस में ऐसे राइटिंग आ सकता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ऐसे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द बेसिक ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। सबसे पहले आपको जो बेसिक समझना है कि हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एनफोर्समेंट में कब आया, 1958 में आया, बराबर। जब 1958 में आया था, हमारी सीआरपीसी कौन सी एनफोर्समेंट में थी, 1898 वाली थी, मतलब पुरानी वाली सीआरपीसी एनफोर्समेंट में थी।
ये थोड़ा व्हाट्सएप का असर है, ठीक है। ओल्ड सीआरपीसी वॉज इन टू एनफोर्समेंट, लेकिन ये एक्ट तो सेम रह गया। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में न जाने क्यों पार्लियामेंट ने अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं किया, कुछ चेंजेस नहीं किए, लेकिन सीआरपीसी में हमको पता है अमेंडमेंट हो गया था एंड सीआरपीसी 1973 वाज एनफोर्स्ड। सो 1973 रिप्लेस्ड 1898 एक्ट। तो आप जब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस को मेंशन किया, पर कौन सी वाली सीआरपीसी के सेक्शंस को मेंशन किया? पुरानी वाली सीआरपीसी के सेक्शंस को मेंशन किया, पर पुरानी वाली तो खत्म हो गई, हम तो नई वाली पढ़ रहे हैं। सो डू नॉट वरी, आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि यहां पे नई वाली सीआरपीसी का कौन सा वो सेक्शन है जो कि अब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में मेंशन किया है पुरानी वाली सीआरपीसी को रेफर करते हुए। ओके, क्लियर है? जैसे वहां पे वर्ड यूज हुआ है, सेक्शन यूज हुआ है 562, लेकिन वो कौन सी सीआरपीसी का है? 1898 का। लेकिन आज 1973 में वो कौन सी सीआरपीसी है, सॉरी कौन सा सेक्शन है? इट इज योर सेक्शन नंबर 360। क्लियर है? ओके, बराबर। ओके, चलो आगे चलेंगे। अब यहां से आपको प्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? 19 सेक्शंस हैं। इनएक्टमेंट डेट क्या है? इनएक्टमेंट डेट बोल रही हूं, इनएक्टमेंट डेट इज 16 मई 1958। लेकिन अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डेट्स बता रही हूं क्योंकि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हर स्टेट में अलग अलग दिन फोर्स में आया है। अगर आपसे पूछा जाए वेर इट केम इन टू फोर्स इन राजस्थान, तो इट विल बी 1 अक्टूबर 1962। गुजरात वालों के लिए होमवर्क रहने वाला है कि गुजरात में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया था। डू राइट इट इन योर नोट्स एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन इन टू द कमेंट सेक्शन। मैंने लास्ट टाइम भी जब पढ़ाया था प्लस कोर्स में, मैंने आपको बताया था प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट गुजरात में कब एनफोर्समेंट में आया। हर स्टेट में अलग अलग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम सेंट्रल लॉ है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एनफोर्समेंट डेट क्यों है? बिकॉज योर सेक्शन नंबर 1 सेज कि कब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट स्टेट में एनफोर्समेंट में आएगा, ये उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, इसलिए हर स्टेट में उसका कमेंसमेंट डेट, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, कमेंसमेंट डेट अलग है लेकिन एनफोर्समेंट डेट एक ही है, 16 मई 1958। राजस्थान की डेट है 1 अक्टूबर 1962। Yes, किस कौन सी बता रहे हो बताओ जरा मुझे, सब डिफरेंट डिफरेंट बता रहे। मुझे गुजरात की बताओ क्योंकि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आपके गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है। बराबर, क्लियर, थैंक यू रिया जी। चलिए आगे चलेंगे। अब जैसे मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैं बोलती हूँ कि हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में क्या पढ़ रहे हैं कि एक कन्विक्ट को बेनिफिट कैसे दिया जाए, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इज अ बेनिफिशियल स्टैट्यूट फॉर योर कन्विक्ट, नॉट एन ऑफेंडर, कन्विक्ट। तो ये समझो कि उसे वो बेनिफिट कौन से स्टेज पे मिलता है। जैसे हम प्ली बार्गेनिंग पढ़ते हैं, जैसे हम प्ली बार्गेनिंग पढ़ते हैं 265A to 265L अंडर योर सीआरपीसी, तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पर भी एक बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वहां पर बेनिफिट ऑलवेज रिमेंबर एक पर्सन को मिल रहा है ऑन अवॉर्डिंग द सेंटेंस, प्रोवाइडेड कि वहां पर एप्लीकेशन आपका वो कन्विक्टेड पर्सन खुद लगा रहा है। लेकिन यहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में कोर्ट को यदि उचित लगे तो बिना एप्लीकेशन भी सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 का बेनिफिट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में एक कन्विक्ट को मिल सकता है। सबसे पहले एक पर्सन क्या करता है, ऑफेंस कमिट करता है, उसके बाद उसकी ट्रायल होती है, ट्रायल होने के बाद जजमेंट होता है। अब जजमेंट के वक्त कोर्ट 3 चीजें बता सकता है, इन तीनों में से कोई एक चीज कोर्ट बता सकता है। पहला बोलेगा कि भैया हम आपको सेक्शन नंबर 3 में एडमोनिशन पे रिलीज करते हैं, है ना, भर्त्सना पर रिलीज कर रहे हैं, या फिर कोर्ट ये बोलेगा कि हम आपको प्रोबेशन पर रिलीज कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 4 में हम आपको प्रोबेशन का बेनिफिट देके कुछ टाइम पीरियड के लिए रिलीज कर रहे हैं, दैट इज सदाचरण की परिवीक्षा, या फिर ये बोला जा सकता है कि हम आपको जो आपकी ओरिजिनल सेंटेंस है वो दे रहे हैं। सी जजमेंट ऑल्सो कम्स इनटू टू पार्ट, वेयर फर्स्ट इज That court is going to find whether you are guilty or not. Offense हुआ है, ठीक है, तो जजमेंट क्या आ जाएगा कि offense में आप उस पर्टिकुलर केस में आपकी दोष सिद्धि हुई है, लेकिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा ये हियरिंग ऑफ सेंटेंस पे डिसाइड होता है। देर इज अ डिफरेंट हियरिंग टू डिसाइड हाउ मच सेंटेंस इज टू बी गिवन टू अ पर्सन, वहां डिसाइड होता है वेदर अ पर्सन शुड बी रिलीज ऑन एडमोनिशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, और शुड बी रिलीज अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, या फिर उसे एक्चुअल सेंटेंस दे देनी चाहिए। बराबर है, क्लियर? यस, राइट सोनम जी,
पॉइंट क्लियर? तो ये आपको समझना है कि इन तीनों में से कोई एक चीज कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है। अब हमें ये पढ़ना है कि कहां भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई होता है, कहां पर अप्लाई नहीं होता है। जनरली हमारी आदत क्या होती है, सेक्शन नंबर 1 पढ़ लेंगे, वहां एप्लीकेशन मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहती हूं कि जब आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तो नॉन एप्लीकेशन भी साथ में ही पढ़ो ना। जब हमें ये पता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए हम क्या नहीं कर सकते। वेन वी नो वॉट आर our rights and what are our duties, then we should also know that what are the reasonable restrictions on our rights, बराबर? तो application दे रखा है section number 1 में, जो कि कहता है whole of India पर apply होगा probation of offenders act, specifically अब word except Jammu and Kashmir has been removed by Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019 with effect from 31st October, बराबर है ये चीज? तो ये चीज ध्यान रखना, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कब रिमूव हुआ, ये काफी सारे स्टेट जुडिशियल में प्रिलिमिनरी में पूछा गया है। क्लियर? ओके, पॉइंट क्लियर? चलो, एक चीज मुझे आप सबको और बतानी थी, और वो चीज ये थी कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, इट इज एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। मैं लास्ट स्लाइड में लिख दूंगी, यहां पर बेसिक्स में इट इज एक्ट नंबर 20। हम एक्ट नंबर नहीं पढ़ के जाते हैं, और आता है आपको देखने को मिलेगा कोई ना कोई स्टेट जुडिशरी में जरूर एक्ट नंबर पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखना एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। अब एक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, ये 20 का मतलब क्या है कि 1958 में जितने भी एक्ट एनफोर्समेंट में आए उसमें ये एक्ट 20th नंबर पे था, मतलब इससे पहले 19 एक्ट्स ऑलरेडी एनफोर्समेंट में आ चुके थे, बराबर चीज? चलिए, अभी एप्लीकेशन में हमने पढ़ लिया कि होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, और वही सेक्शन ये कहता है कि कौन से स्टेट में कब हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कमेंस होगा। दिस विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट Whenever the state government will notify, जब भी आपकी राज्य सरकार ऐसा notification निकालेगी, उस दिन से उस particular state में वो क्या हो जाएगा, probation of offenders act apply हो जाएगा। Clear? As well as हर state में, ध्यान से सुनना, हर state में probation of offenders act के rules different हैं। क्यों? क्योंकि हम सेक्शन नंबर 17 पढ़ेंगे, जो कि कहता है कि रूल मेकिंग पावर स्टेट को है, और हर स्टेट अपने कंसर्न स्टेट के लिए अलग अलग हिसाब से रूल्स बना सकता है। ओके, नॉन एप्लीकेशन, कहां पर हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं करता है। हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट दो सेक्शंस ये मेंशन करते हैं कि वहां अप्लाई नहीं करता, जहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19। उल्टा चल रहे थोड़ा यहां पे, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19, ये तीनों आपको साथ में पढ़ना है। 19 कहता है कि मैम जहां पे 562 सीआरपीसी अप्लाई होता है वहां पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा। 562 ऑफ सीआरपी मींस, सीआरपीसी मींस सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी। जिस केस में कोर्ट को ये लग रहा है कि यहां पे 360 अप्लाई हो सकता है, तो वहां पे 360 ही अप्लाई होगा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्टैट्यूट का बेनिफिट एक कन्विक्ट पर्सन नहीं ले सकता है। पॉइंट क्लियर? सेक्शन नंबर 18 में तीन वो प्लेसेस हैं जहां पर आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं होता है। कहां पर अप्लाई नहीं होता है? अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट किसी स्टेट में लागू होता है, तो सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट पर वो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। आपको ये जानने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है कि सेक्शन नंबर 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट क्या कहता है, क्योंकि प्रिलिमिनरी में सीधा सीधा आपको ये पॉइंटर्स मेंशन करके आएंगे, दे विल नॉट आस्क सेक्शन नंबर 30 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट आपको क्या कहता है। ओके, पॉइंट नंबर 2, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नहीं मिलता। मतलब अगर इन दोनों सेक्शंस या सबसेक्शन में कोई ऑफेंस हुआ, तो यहां पर प्रोबेशन का बेनिफिट या एडमोनिशन का बेनिफिट किसको नहीं मिलेगा? कन्विक्ट पर्सन को नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके, एंड 19 में जहां सीआरपीसी का 16, 17 एंड 360 वहां नहीं होगा। यस yes, बिल्कुल सोनम जी, जहां पर 360 अप्लाई हो रहा है वहां पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नहीं, और जहां पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई हो रहा है सेक्शन 3 और 4 अप्लाई हो रहा है, वहां पे 360 अप्लाई नहीं होगा। देखो, ये वाला पॉइंट ने खुद ही बता दिया है कि 360 एंड सेक्शन 3 एंड 4 अलग अलग है, क्योंकि इन तीनों में जो बेनिफिट दे रहे हम कन्विक्टेड पर्सन, इसका ग्राउंड ही अलग है। आप अभी हम एक कंपेरेटिव चार्ट देखेंगे, जहां पे हमें ये समझना है कि 3 और 4 में कब बेनिफिट मिल रहा है, कितना ऑफेंस करने पे, और 360 में कब बेनिफिट मिल रहा है। ओके, सेकंड थर्ड पॉइंट यहां बोला है, अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि जुवेनाइल ऑफेंडर से रिलेटेड है या फिर बॉस्टल स्कूल से रिलेटेड है, तो वहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं होने वाला है।
इन दोनों केसेस में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा. अब देखो, बॉस्टल स्कूल का कंसेप्ट आपके यूके से आया है. दीज वर द यूथफुल डिटेंशन सेल, जहां पे यूथ, जो युवा आपके क्रिमिनल्स हैं, उनको अलग से डिटेन किया जाता था, जहां पे उनको रिफॉर्म करने की कंसेप्ट या रिफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव ज्यादा हुआ करता था. क्लियर पॉइंट? सो दिस इज योर एप्लीकेशन एंड नॉन एप्लीकेशन. अब आगे चलेंगे, जहां हम ये देखने वाले हैं कि कोर्ट की क्या पावर्स है. आप अच्छे से सुनना, मैं यहाँ पे चार्ट बनाते जाऊंगी और आपको वही चार्ट अपने नोट्स में बनाते रहना है. ठीक है? क्लियर पॉइंट? ओके. कौन सा कलर ले? रेड ले लेते हैं. चलिए. अच्छा, एक और चीज, नाउ आई होप स्टूडेंट्स आर हैप्पी कि मैम अब जो है आप व्हाइट स्लाइड्स ले आए, तो नाउ इट बिकम्स इजी फॉर अस कि किस तरीके से हम देख सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं. ओके. अच्छा, एक चीज जो मैं आपको सेक्शन नंबर, जब मैंने 5 पढ़ा ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मैंने क्या बोला, सबसेक्शन 2. सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कोई भी सबसेक्शन या क्लॉज पढ़ना कैसे, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सिंस यू ऑल आर वॉचिंग दिस, तो अच्छे से सुनना. देखो, कई बार जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया होता है? 2 में दिया होता है. यहाँ ए दे रखा होता है, बी दे रखा होता है, सी दे रखा होता है ना. जैसे इसी एक्ट का ले लेते हैं, डेफिनेशन बोला, ए में क्या बोला, कोर्ट बोला, बी में क्या बोला, प्रोबेशन ऑफिसर बोला, सी में क्या बोला, प्रिस्क्राइब्ड बोला. अब देखो आपको पढ़ना कैसे इसको. ये होता है हमारा सेक्शन और ये होता है हमारा क्लॉज. लेकिन वहीं पर मान लो मैं पढ़ रही हूँ सेक्शन नंबर 3, इसी एक्ट का सेक्शन नंबर 3 पढ़ रही हूँ. सेक्शन नंबर 3 में आपके सब क्लॉजेस है ही नहीं. ओके, सब सेक्शंस नहीं है. सेक्शन नंबर 4 मैं पढ़ रही हूँ, सेक्शन नंबर 4, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 4 सबसेक्शन 1. अब इस सबसेक्शन 1 में अगर कुछ दिया होता तो हम पढ़ते क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C. लेकिन यहां पर देखो कि इसको क्यों नहीं बोला हमने सेक्शन 2, सबसेक्शन A क्यों नहीं बोलते, इसको हम क्लॉज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्लॉज हमेशा आपके मेन सेक्शन या मेन सबसेक्शन की कंटिन्यूइंग लाइन होती है. ऑलवेज रिमेंबर कि जब सबसेक्शन होता है वो आपकी कंटिन्यूइंग लाइन नहीं होती, ऊपर वाले से कोई कंटिन्यूइंग लाइन नहीं होती, अलग अलग लाइन होती है, इसलिए हम उसे सबसेक्शन बोलते हैं. लेकिन बात करें सब क्लॉज की, दैट इज क्लॉज A, क्लॉज B, नॉट सब क्लॉज, क्लॉज, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, तो ये क्लॉजेस हमेशा आपके मेन सेक्शन या मेन सब सेक्शन के कंटिन्यूइंग में होता है. सेक्शन नंबर 2 पढ़ो. सेक्शन नंबर 2 सेज, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, फिर डैश, जहां आपको मेन लाइन में डैश दिखे और उसके नीचे ABC दिखे, ये क्या होते हैं? ये क्लॉजेस होते हैं. लेकिन जहां पर आपको सेक्शन 4 दिखा, उसके बाद सीधा 1, 2, 3, ये क्या होते हैं? ये सब सेक्शन होते हैं. ये क्या होते हैं? सब सेक्शन होते हैं. क्लियर है? तो ये अच्छे से ध्यान रखना. सेक्शन नंबर 4 देख लो आप, ऊपर की कोई लाइन, कोई कंटिन्यूइंग लाइन नहीं है वहां पर. ओके, क्लियर? यस यस यस. PDF आपको PW ऐप से मिल जाएगी. जैसे ही खत्म होगा सेशन, आप PW ऐप पे जाएंगे, वहां पर आपको, ये कोई पर्टिकुलर बैच नहीं होगा, बट मैं आपको पता करके बता दूं, ठीक है? मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से आप वहां से PDF डाउनलोड करेंगे. लेकिन वहां पे जितने भी बैचेस हैं, अगर बैचेस को आप एनरोल कर लेते हैं, तो वहां पर से फिर आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे. बस प्रोवाइडेड कि आप जो सब्जेक्ट नेम है, जैसे IPC है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, उसमें अंदर एंटर होना. एक आपको क्लास दिखेगी, एक आपको PDF दिखेगी, वहां पर भी आप सेम क्लास देख पाओगे, वहीं से ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा. ओके, क्लियर? चलो, बॉस्टल स्कूल, अभी मैंने बताया कौस्तव जी, दी बॉस्टल स्कूल का कॉन्सेप्ट यूके से आया है, जहां पर यूके में क्या होता था, ये पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते थे, जहां पर कि यूथफुल ऑफेंडर्स को रखा जाता था, जो छोटे छोटे बच्चे ऑफेंस करके आते हैं उनको रखा जाता था, यूथ वाले ऑफेंडर्स को रखा जाता था. ओके, और जनरली उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता था? रिहैबिलिटेशन. चलो, पावर्स ऑफ द कोर्ट. कोर्ट की पावर्स को लेके प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में 3 सेक्शन दिया है, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5. सेक्शन नंबर 3 में कोर्ट को पावर दिया है कि वो एडमोनिशन पर रिलीज कर सकते हैं. किस पर? एडमोनिशन पर, भर्त्सना पर. आप पास में लिख सकते हैं डांट फटकार के, अच्छे से समझाकर, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको डांटते हैं अगर हम कोई चीज वगैरह तोड़ देते हैं, है ना, एक तरीके का पनिशमेंट देते हैं, जिसे हम एक तरह की ऑपरेटल कंडीशनिंग कहते हैं, कि एक पर्सन का बिहेवियर किस तरीके से मोल्ड होगा, ये डिपेंड करता है कि उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है या क्या पनिशमेंट मिल रहा है. अगर हम किसी चीज को अच्छे से करने के लिए किसी पर्सन को रिवॉर्ड देते हैं तो मोटिवेटेड फील करेगा, लेकिन अगर वहीं पर किसी पर्सन को कोई गलत चीज करने पर हम पनिशमेंट देते हैं तो वो खुद को रिस्ट्रिक्ट करेगा ऐसी कोई वापस चीज करने के लिए. तो ये एडमोनिशन क्या होती है? एक तरीके की डांट फटकार है, उसको समझाया जा रहा है. ओके,
सेक्शन नंबर 4 में हमें बोला है कि कोर्ट यहां पे प्रोबेशन पे छोड़ देगा. प्रोबेशन आपको इस तरीके से समझना कि जब आप जजेस बनेंगे तो आप भी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रोबेशन पे होंगे, तो मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उसको रिलीज किया जाएगा कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए बाहर जाओ, लेकिन वापस आना पड़ेगा आपको. लेकिन एडमोनिशन पे क्या होता है, डांट फटकार के छोड़ देते कि चलिए जाइए अपने घर पे. ओके क्लियर. अब सेक्शन नंबर 5 में क्या बोला कि जब आप सेक्शन नंबर 3 या 4 का ऑर्डर पारित कर रहे हो, कोर्ट के लिए है, दैट व्हेन कोर्ट इज गिविंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 3 एंड 4, उस टाइम सेक्शन नंबर 5 में कॉम्पनसेशन एज वेल एज कॉस्ट भी अवॉर्ड करने का कोर्ट का पावर है. क्लियर. तो पहले देखेंगे कि सेक्शन नंबर 3 में कोर्ट कब एक पर्सन को एडमोनिशन पे रिलीज कर सकता है. यहाँ पे जरूरी है कि ऑफेंस कैसा होना चाहिए, अच्छे से याद रखना, यहाँ पर ऑफेंस से क्वेश्चंस बनते हैं. ऑफेंस अगर किया गया है सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी, 380 ऑफ आईपीसी, 381 ऑफ आईपीसी, 404 ऑफ आईपीसी और 420 ऑफ आईपीसी. अब 379 क्या कहता है, थ्रेफ्ट. 380 क्या कहता है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस. 381 क्या कहता है, थेफ्ट बाय योर सर्वेंट और क्लर्क. 404 क्या कहता है कि डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया जा रहा है. एंड 420 क्या कहता है, 420 चीटिंग का आपके ऊपर पनिशमेंट डालता है. अगर इन पांचों में से कोई ऑफेंस हुआ या फिर आपने ऐसा ऑफेंस किया, अच्छा ये कौन से ऑफेंस है, आईपीसी वाले, या फिर आपने ऐसा ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट क्या है, जिसकी पनिशमेंट नॉट मोर देन 2 ईयर्स है, तो क्या मैं लिख सकती हूं कि 2 ईयर्स के बराबर अगर पनिशमेंट है, और 2 ईयर्स वाली कौन सी पनिशमेंट होती है, कैन आई से समन केस वाली, कैन आई से कि 2 ईयर्स वाली पनिशमेंट कौन सी होती है, समन केस वाली, यस और नो, यस और नो. क्योंकि हम जब सीआरपीसी का, मैंने आज ही आई थिंक डेफिनेशन क्लॉजेस का जो पॉइंट है वो अपलोड हुआ है, डेफिनेशन क्लॉजेस वाला आज ही लेक्चर अपलोड हुआ है, तो वो अगर आपने देखा है, तो वारंट केस कौन से होते हैं, जहां पर कि जो कि समन केस नहीं, और समन केस क्या है, जहां पर कि पनिशमेंट आपकी 2 साल से ज्यादा नहीं है, बराबर. तो कैन आई से ये समन केस वाले मामले हैं, यस सुची जी, बराबर. तो आप लिख सकते हैं आप समन केस. ओके, तो जहां पर आपने ऐसा ऑफेंस किया जिसका पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा नहीं है, कोर्ट आपको एडमोनिशन पे रिलीज कर सकता है, या फिर ये 5 ऑफेंस ऑफ आईपीसी. सो अगर हम सेक्शन नंबर 3 देखें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का, इसका स्कोप थोड़ा सा नैरो है 360 से. कैसा है, थोड़ा सा नैरो है ये, हम 360 पढ़ेंगे तब आपको महसूस होगा. तो कोर्ट यहां पे रिलीज कर देगा, लेकिन कोर्ट कुछ कंसिडर करेगा, कुछ पर्टिकुलर चीजों का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे दे विल रिलीज दैट पर्सन ओनली इफ दे सी कि कोई प्रीवियस कन्विक्शन है या नहीं है. अगर कोर्ट को लगा कि कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है तो रिलीज किया जा सकता है. सर्कमस्टांस ऑफ केसेस देखना पड़ेगा कि कैसा ऑफेंस है, मतलब जब उसने ऑफेंस किया था तो वॉज ही इफेक्टेड बाई सम अदर थिंग्स और नॉट, कि सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में कर दिया या प्राइवेट डिफेंस में किया है. ओके, नेक्स्ट दे आर गोइंग टू सी द नेचर ऑफ ऑफेंस, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, पूरा नेचर देखने वाले हैं. एंड लास्टली दे आर गोइंग टू सी द कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, कि उस व्यक्ति का चरित्र क्या है. सेक्शन नंबर 52-55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ सकते हैं, जहां हम ये पढ़ते हैं व्हेन कैरेक्टर रेलेवेंट, तो क्रिमिनल केस में व्हेन कैरेक्टर इज रेलेवेंट, ये हमको पता चलता है 52 से लेके 55 में. ओके खुशबू जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. क्लास में लेट क्यों आते हो, जब मैंने नोटिफिकेशन 6 बजे का डाला है, बताओ. देखो एग्जाम पास में आ रहे हैं, थोड़ा अपना प्रायोरिटी डिसाइड करो, है ना, क्लास में थोड़ा लेट नहीं आना है. देखो हम उस स्टेज पे ना जहाँ पे हमें डिसिप्लिन में रहना है नहीं रहना, इट इज कम्प्लीटली आर चॉइस. अब वो घर वाले नहीं बोलने वाले हैं कि आप पढ़े नहीं पढ़े, दे आर नॉट गोइंग टू सी. ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 3. सेक्शन नंबर 3 का आपको स्पेसिफिकली पनिशमेंट का पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना. नाउ आई विल कम टू सेक्शन नंबर 4. सेक्शन नंबर 4 में किस चीज पे रिलीज कर रहे हैं, प्रोबेशन पे, बहुत अच्छे से ध्यान रखना. सेक्शन नंबर 3 में एडमोनिशन पे, सेक्शन नंबर 4 में प्रोबेशन पे. ठीक है, क्योंकि सेक्शन 360 में दोनों ही चीजें, अलग से सेक्शन नहीं है लेकिन अलग से सबसेक्शन जरूर है. सेक्शन 360 सबसेक्शन 1 में प्रोबेशन पे रिलीज हो रहा है और सबसेक्शन 3 में एडमोनिशन पे रिलीज हो रहा है, जिसका चार्ट भी हमारे पास है, हम डील करेंगे. ओके, सेक्शन नंबर, यस यस शुचि जी, कब की हुई वो, तो अभी तो साइकोलॉजी चल रही है हमारी. ठीक है चलो, और उसी के एग्जाम्स भी. अब सुनो, रिलीज ऑफ प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट कब कोर्ट रिलीज करेगा. यहां पे अगर पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए पनिशमेंट
कुछ भी हो सकती है, लेकिन पनिशमेंट क्या नहीं है, लेकिन पनिशमेंट क्या नहीं है, डेथ और एलाय नहीं है। मतलब अगर मर्डर किया, ऐसा कोई रेप का ऑफेंस किया जहां पे डेथ या एलाय का, दैट इज एलाय मींस लाइफ इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट का प्रावधान है, तो ऐसे केस में कोई प्रोबेशन, क्योंकि आपने इतना घिनौना अपराध किया है कि पनिशमेंट ही इतनी तगड़ी है, तो यहाँ पे कोई बेनिफिट इस 1958 के एक्ट का नहीं मिलेगा। इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आज हमारे पास है, जहाँ पे हम पढ़ने वाले कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स में बोला है कि 304A में रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में भी आप प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। किसी पर्सन ने रेप का ऑफेंस किया है, वहां कोई प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं है। अगर कोई यूथफुल ऑफेंडर है ना, कोई यंग पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो अगर आप उसका नेचर ग्रेविटी देख के प्रोबेशन का बेनिफिट या एडमोनिशन का बेनिफिट देखेंगे तो चलेगा। ओके क्लियर मैम। कंसिडर में पॉइंट टू, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, दिस इज सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, ठीक है राइट प्रतीक जी। लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है और डेथ नहीं है, तो क्या हो सकता है, प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। अब देखो उसको रिलीज किस पे किया जाएगा, या तो हम उसको बॉन्ड पे रिलीज करेंगे। बॉन्ड कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हम किसी पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ ही नहीं सकते हैं, बराबर। दूसरा पॉइंट यहां पे है, या तो विथ और विदाउट श्योरिटी। ये श्योरिटी के पास आप एक आदमी बनाएंगे, क्योंकि ये चलता फिरता व्यक्ति होता है, बोलने वाला ह्यूमन बीइंग की श्योरिटी ली जाती है और पैसों की सिक्योरिटी ली जाती है, ये ध्यान रखना। ऐसे मत बोल देना कि मैं आज किसी का सिक्योरिटी बन गया हूं। सिक्योरिटी जैसे हम कोई रेंट पे जाते हैं, कहीं रेंट एज अ टेनेंट रहते हैं, तो हम लैंडलॉर्ड को क्या देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, डिपॉजिट देते हैं, एडवांस देते हैं कि भाई कोई टूट फूट हो गई तो आप सिक्योरिटी रख लीजिए। सिक्योरिटी हमेशा मनी फॉर्मेट में होती है, श्योरिटी हमेशा एक ह्यूमन बीइंग की ली जाती है। जैसे किसी की बेल एप्लीकेशन, अगर किसी को बेल एप्लीकेशन लगानी है तो कोर्ट क्या बोलता है, श्योरिटी लेके आइए। सेम वैसे ही जैसे हम गारंटी पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि श्योरिटी भी एक पर्सन होता है। ओके तो या तो उस पर्सन को बोला जा सकता है कि आप इसकी श्योरिटी दीजिए। ओके अब जब 3 साल के लिए उसको हमने प्रोबेशन पे रिलीज किया, देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि कोर्ट हमेशा 3 साल के लिए रिलीज करेगा, इफ कोर्ट वांट्स आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड ही देगा। ओके यहाँ पे बॉन्ड में कंडीशन होती है कि आफ्टर द टाइम पीरियड व्हिच इज मेंशन इन योर बॉन्ड, यू विल अपियर एंड रिसीव, यू विल अपियर एंड रिसीव द पनिशमेंट, बराबर। लेकिन फिर से वही चीज है यहां पर भी कि कोर्ट कुछ चीजों को कंसिडर करेगा। अब वो चीजें कौन सी होगी, सबसे पहले कोर्ट यहाँ पे क्या कंसिडर करेगा, यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन कंसिडर नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा जो हम एडमोनिशन में कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस होगा, नेचर ऑफ ऑफेंस कि कैसा ऑफेंस है, देन कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर का चरित्र कैसा है। नेक्स्ट चीज प्लेस ऑफ अबोर्ड, प्लेस ऑफ अबोर्ड, और एक और पॉइंट दे रखा है दैट इज रेगुलर ऑक्यूपेशन कि वो पर्सन एग्जैक्टली क्या काम करता है, क्या पता कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई अधिकारी है, या एग्जैक्टली कहाँ रहता है। क्योंकि देखो रहने के सर्कमस्टांस कौन से एनवायरमेंट में रह रहे, कोई पर्सन झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो जाहिर सी बात है ये हर कोई अज्यूम करेगा कि वहां पर प्रॉपर अवेयरनेस, प्रॉपर नॉलेज अबाउट वेरियस थिंग्स एंड वेरियस लॉज की थोड़ी उम्मीद कम हो जाती है। इफ दैट पर्सन लिव्स इन अ गुड सोसाइटी और अ बेटर सोसाइटी और अमंग एजुकेटेड पीपल, तो जाहिर सी बात है कि उसका अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़े अच्छे गुण भी जरूर होंगे। एक और पॉइंट यहां पे होता है दैट कोर्ट विल कंसिडर, दो चीजें लिख रही हूं मैं यहां पे, कोर्ट दो चीजें कंसिडर करेगा यहां पे, और उन दो चीजों में क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट जो कि प्रोबेशन ऑफिसर सबमिट करता है, और दूसरा अगर कोर्ट को लगे कि ऐसा उचित है तो वो सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसका मिनिमम टाइम पीरियड 1 ईयर है। ये लिख लीजिएगा 1 ईयर का पॉइंट, दिस कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन और व्हाट इज द मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ सुपरविजन ऑर्डर। अभी सुपरविजन ऑर्डर क्या होता है, सुपरविजन ऑर्डर मतलब प्रोबेशन ऑफिसर को बुलाया जाएगा या किसी भी पर्सन को बुलाया जाएगा और कोर्ट बोलेगा ये लीजिए हम आपको सुपरविजन ऑर्डर देते हैं, मतलब जिस कन्विक्टेड पर्सन को हमने प्रोबेशन पे रिलीज किया है आप उसको सुपरवाइज कीजिए, मतलब देख रेख कीजिए कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ उठ रहा बैठ रहा है, मतलब वापस से कुछ नौटंकी तो नहीं कर रहा है, वो अपनी हदों में तो है, एक अच्छा बिहेवियर गुड कंडक्ट है कि नहीं है, ये ऑब्जर्व करना, ये सुपरवाइज करने का ऑर्डर कोर्ट या तो प्रोबेशन ऑफिसर को देगा या किसी भी अदर पर्सन को दे सकता है जब सेक्शन नंबर 4 में आप किसी कन्विक्ट पर्सन को प्रोबेशन पर रिलीज कर रहे हैं। तो
ओके क्लियर है मैम। दो ऑफेंस है उसमें से एक डेथ से पनिशेबल है और अदर 2 ईयर्स से, तो कम से कम क्या 2 ईयर्स नहीं, ग्रेटर पनिशमेंट रुद्र जी, ग्रेटर विल बी कंसिडर्ड, है ना। ये हम पढ़ के आते हैं ना सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 29 सेक्शन नंबर 30, तो ग्रेटर ऑफेंस विल बी कंसिडर्ड। ओके तो चार्ज भी हम फ्रेम कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए नहीं, सारे ऑफेंस मिलाने के बाद आपकी पनिशमेंट कितनी हो रही है। क्लियर, यस, नजर रखना, वेरी गुड आचल जी। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, फोर्थ, प्लेस ऑफ अबोर्ट स्लैश उसका रेगुलर ऑक्यूपेशन, कहां वो रह रहा है या फिर वो कहां काम काज कर रहा है। सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 4। नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में और एंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है, क्योंकि कई बार देखो गलतियां हो जाती है, और मैंने जब अपना प्रीवियस सेशन देखा तो कई बार अगर गलती हो रही है, आई डेफिनेटली गो थ्रू अ कमेंट सेक्शन कि गलती से भी गलती हो जाए और स्टूडेंट रेक्टिफाई करे तो उसको याद रखे, है ना। जैसे मैंने अपने सीआरपीसी के एक सेक्शन में ऑफेंस को 2N बोलना था, लिखना भी था, लेकिन 2L लिख दिया और उसके नीचे ही नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन में भी 2L लिख दिया। तो जाहिर सी बात है थोड़ा कम्युनिकेशन, मतलब ऑब्वियस है कि ये समझ जाना चाहिए कि दैट इज 2N ओनली, बट ठीक है, कई बार जिस पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको सिखाएगा और अगर वो ही छोटी मोटी गलती कर दे तो ऑब्वियसली मतलब वहां पे टोका जरूर जाएगा। दैट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म बट दैट इज अ पॉजिटिव रिमार्क जो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन तभी मिलेगा तभी कोर्ट देगा। अब देखो मैं अगर कॉम्पनसेशन या कॉस्ट की बात करूं, दिस इज नॉट अ बेनिफिट, ये बेनिफिट कहाँ हुआ, ये तो और बेचारे हम कन्विक्टेड पर्सन के बैंड बजा रहे हैं कि चलो तुमको रिलीज तो कर रहे, लेकिन भैया तुमको प्रतिकर देना पड़ने वाला है, तुमको यहाँ पे कॉस्ट देने पड़ने वाली है। लेकिन कब देंगे, जब सेक्शन और 3 का बेनिफिट दोगे तभी उस पर्सन पे हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन इम्पोज कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज अलोंग विद सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4। कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर करेगा दैट यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन, एंड वर्ड लिखा है और नहीं लिखा है, सो मैं यहां प्लस लगा रही हूं, और सॉरी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, जो भी लागत है, जो भी विक्टिम को प्रोसीडिंग के दौरान खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, वो भी कन्विक्टेड पर्सन को देने को बोला जा सकता है। लेकिन कॉम्पनसेशन फॉर व्हाट, कौन सी चीज के लिए कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा विक्टिम है उसको कोई लॉस हुआ है या इंजरी कॉज हुई है टू विक्टिम, इस चीज के लिए हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं और कॉस्ट हम सारे एक्सपेंसेस के लिए दे रहे हैं। और जब ये कॉस्ट या कॉम्पनसेशन को रिकवर करना है तो किस तरीके से इसको रिकवर किया जाएगा, इसको रिकवर किया जाएगा एज फाइन गिवन अंडर 421 एंड 422 ऑफ सीआरपीसी। 421 422 पढ़ते हैं ना, वारंट फॉर द लेवी ऑफ द फाइन। लेकिन मैम 421 और 422 तो दे ही नहीं रखा है, हमारे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में 386 और 387 दे रखा है। मैंने 386 और 387 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिख दूंगी, आप नोट्स में लिख दोगे, मेंस में जाके वही लिख के आ जाओगे और वो हमें नहीं लिखना है। अगर लिख भी रहे हो वो दो सेक्शन 386 और 387, वो क्या है, वो हमारे पुराने सीआरपीसी दैट इज सीआरपीसी 1898 के सेक्शन है, लेकिन 1973 में वो क्या है, वो 421 एंड 422 ऑफ सीआरपीसी है। तो आपको ये मेंशन करना है बराबर, तो 421 और 422 याद रखो, 386 387 भूल जाओ। क्लियर पॉइंट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। इस तरीके से चार्ट बनाते हुए चलना, आगे चले। अब हम आगे ये पढ़ने वाले हैं दैट जब कोई ऐसा पर्सन है जो कि 21 ईयर्स बिलो है तो कोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। इस सेक्शन को आप एक तरीके से ऑब्लिगेशन मानोगे कोर्ट के ऊपर, या मैं बोलूंगी कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी डाल रखी है। जब भी ऐसे सेक्शंस पढ़ने हो तो आप खुद को उस वक्त जज मान लिया करो कि चलो आज हम जज है ना, ओनली इमेजिन, ओके, इमेजिन दैट यू आर अ जज और आपके सामने एक ऐसा पर्सन आया है जो कि बिलो 21 ईयर्स है और उसको आप क्या कर रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं, लेकिन LI नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है, क्या है, इंप्रिजनमेंट है। अब वो इंप्रिजनमेंट 2 साल की हो सकती है, 3 साल की हो सकती है। तो सेक्शन नंबर 6 ने बोला है कि सर जज साहब आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, कि आप उस पर्सन को तब तक कोई भी सेंटेंस, तब तक वो इंप्रिजनमेंट नहीं देंगे, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है, कोई और इंप्रिजनमेंट हो सकती है, 10 साल होगी, 2 साल होगी, 5 साल होगी, आप उसको वो लाइफ सॉरी इंप्रिजनमेंट तब तक नहीं देंगे जब तक आप खुद ये सैटिस्फाई नहीं कर लेते कि क्या मैं उसको सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दे सकता हूं क्या। मतलब
यहां पर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि बिलो 21 इयर्स का पर्सन जिसको आप कन्विक्ट कर चुके हैं और कोई इंप्रिजनमेंट दे रहे हैं जो लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं, आपको बैठ के विचार विमर्श करना ही करना पड़ेगा कि क्या वो पर्सन को हम सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दे सकते हैं। जब तक आप वो कंसिडर नहीं करते, जब तक आप वो खुद को उस पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं करते, तब तक आप उसको सेंटेंस नहीं देंगे। और जब आप खुद को इस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स, उस वक्त यू हैव टू कंसिडर दीज 4 पॉइंट्स। अब वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? पहले आपको सर्कमस्टांस देखना पड़ेगा केस का, नेचर देखना पड़ेगा ऑफेंस का, कैरेक्टर देखना पड़ेगा ऑफेंडर का, और वो रिपोर्ट देखनी पड़ेगी जो कि प्रोबेशन ऑफिसर सबमिट कर रहा है। कैन आई से कि ये तो सेक्शन नंबर 4 वाले ही पॉइंट्स हैं। दीज ऑल आर द पॉइंट्स व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन नंबर 4 व्हाइल रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन द प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स कोर्ट सेक्शन नंबर 6 में भी ऑब्जर्व करेगा। पर सेक्शन नंबर 6 में जो हमने रिपोर्ट की बात की कि प्रोबेशन ऑफिसर आपको रिपोर्ट लाके दे रहा है, वैसे कि वैसे सेक्शन नंबर 4 में भी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, ऐसा सेक्शन नंबर 7 कहता है। दैट इज इट। ओके, जज मान लिया तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि जज बनने के बाद आपको और ज्यादा पढ़ना है, बिकॉज नाउ दैट इज द पॉइंट व्हेन यू हैव टू गिव द जस्टिस। और वहां पे आपको कोई पढ़ने को नहीं बोलेगा, आप खुद से ही पढ़ेंगे, बिकॉज यू विल बी अंडर एन ड्यूटी टू गिव द जस्टिस। और भगवान के बाद अगर लोग किसी में सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, तो वो जज साहब होते हैं। तो वो चीज आपको हमेशा कंपेल करेगी कि मेरे हाथों कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। दो चीजें होगी, पहला तो आप हमेशा न्याय करने का ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में रखेंगे, आपका दिल भी यही गवाह देगा, क्योंकि जब आप जज बनेंगे तो ओथ लेंगे, है ना, कि आप संविधान की रक्षा करेंगे, आप कभी भी संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे या किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट, आपकी हायर अथॉरिटीज ये चेकआउट करती रहेगी कि आपने जो डिसीजंस दिए हैं वो कॉन्ट्रेरी तो नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कि जजेस का भी एक अच्छा स्कोर बनता है ना, जजेस का भी परफॉर्मेंस देखा जाता है। अगर आप एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ज्यादा से ज्यादा ऐसे डिसीजंस देते हैं जो कि हायर अथॉरिटी दैट इज सेशन जज या फिर हाई कोर्ट में जाके ओवर रूल नहीं होते हैं, उनको कंफर्म किया जाता है, तो फिर आपका एक अच्छा स्कोर, अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है कि हाँ जी जज साहब काफी अच्छे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज होल्ड करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम केसेस जाके ऊपर ओवर रूल हो रहे हैं, मतलब अपने जजमेंट में और अपने जो लॉ का कमांड है उसमें दम नहीं है। ओके, एंड ये सारी चीजें देखी जाती है प्रमोशन के दौरान, सो रिमेंबर दीज थिंग्स। सुना है ना इस चीज के बारे में कि नहीं सुना है? अब मैंने जरूर सुना था अपनी टीचर से, हु इज अ डिस्ट्रिक्ट जज इन फैमिली कोर्ट, ठीक है, तो वो ऐसा बताती थी। ठीक है, बताइएगा आपको सही लग रही है ये चीज, नहीं लग रही। ओके, चलो, सो दिस इज योर पॉइंट अंडर सेक्शन नंबर 6, जहां पे कोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि भैया आप तब तक ऐसा कोई सेंटेंस नहीं देंगे जब तक आप ऐसी कोई चीज ऑब्जर्व नहीं कर लेते। ओके, यस, 4 और 5 दोनों में मैंडेटरी है, राहुल शर्मा जी, दोनों में मैंडेटरी है। 4 और 5, 3 में नो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट एंड नो सुपरविजन ऑर्डर, क्लियर। क्योंकि 3 में सोचो, दिमाग लगाओ कि 3 में सुपरविजन रिपोर्ट की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने तो उसको छोड़ दिया, है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन 4 में हमने उसको छोड़ा नहीं, बोला 3 साल के बाद चुपचाप वापस आना, तुम वापस आना है आपको अपनी सजा भुगतने के लिए, 3 साल जाके थोड़ा अच्छा काम कर लो, ठीक है। लेकिन 3 में हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया, निकल जाओ, बराबर, क्लियर है अभिषेक जी, कृति जी, अंजलि जी, ठीक है, चलो, सुना है, ग्रेट, आगे चलेंगे। अब हम सेक्शन 8, 9 और 10 साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड तीनों ही सेक्शन है। ये तीनों सेक्शन ये बात करते हैं कि जिस बॉन्ड पे हम पर्सन को रिलीज करें, चाहे सेक्शन नंबर 3 हो गया या 4 हो गया, इन तीन दोनों पॉइंट्स में जहां हम एक पर्सन को बॉन्ड की कोई कंडीशंस पर रिलीज कर रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 8 सेज कि अगर कोर्ट की इच्छा हो गई तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस कंडीशन का वेरिएशन कर सकता है, फेरफार कर सकता है, क्या कर सकता है, फेरफार कर सकता है, बदलाव कर सकता है। और अगर कोर्ट ऐसा बदलाव करना चाहता है तो क्या वो कभी भी ऐसा बदलाव कर लेंगे, तो इसका आंसर सेक्शन नंबर 8 कहता है। सेक्शन नंबर 8 कहता है कि कोर्ट जब कोई भी ऐसा वेरिएशन करेगा, पहले ये समझो कि वेरिएशन कैसे होगा, किस टर्म्स में मैम एग्जैक्टली वो चेंजेस कर सकते हैं, तो या तो जो उन्होंने बॉन्ड में ड्यूरेशन मेंशन किया है उस ड्यूरेशन को क्या कर सकते हैं, या तो रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज डिमिनिश किया जा सकता है, या फिर उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर कुछ एडिशनल कंडीशंस और इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर रहे हैं ये कभी भी 3 इयर्स को एक्सीड नहीं करेगा।
फॉर द पर्पस ऑफ योर सेक्शन नंबर 4। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। तो कोर्ट क्या कर सकता है, बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, बॉन्ड का टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस या एक्सटेंड कर सकता है। अब सुनो आगे, तो जब कोर्ट की इच्छा हुई कि भैया हमको इसमें बॉन्ड में क्या करना है, चेंजेस करने हैं, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड करेगा। किसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है, हमको दोनों को देनी है, ऑफेंडर को भी देंगे प्लस हम किसको देंगे, श्योरिटी को भी देंगे। सोचो श्योरिटी को क्यों देंगे, क्योंकि एक पर्सन, एक ऐसे पर्सन के लिए तब तक श्योरिटी है जब तक कि वो बॉन्ड का टाइम ड्यूरेशन है। अब टाइम ड्यूरेशन अगर बॉन्ड का इंक्रीज करना है, मतलब श्योरिटी से पूछना पड़ेगा, बताओ भैया एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए तुम राजी हो कि नहीं हो। तो जिसका भी श्योरिटी बनोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं उसके बेल के कंडीशंस या बॉन्ड के कंडीशंस चेंज तो नहीं हो रहे हैं। क्लियर, तो ऑफेंडर प्लस श्योरिटी दोनों को सुनना पड़ेगा। एंड मान लो अगर श्योरिटी रिफ्यूज कर दे कि सॉरी ये वेरिएशन नहीं होगा, मैं इन वेरिएशन से सहमत नहीं हूं, मैं इतने लंबे टाइम तक के लिए श्योरिटी नहीं बन सकता, अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा, कन्विक्टेड पर्सन को फ्रेश बॉन्ड कीजिए, फ्रेश बॉन्ड बनाइए, न्यू सिक्योरिटी सॉरी न्यू श्योरिटी लेके आइए। लेकिन मान लीजिए वो फ्रेश बॉन्ड देने में फेल हो गया, फ्रेश बॉन्ड नहीं भर पाया, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे उसको सेंटेंस दिया जाएगा, ओरिजिनल पनिशमेंट जो उनको दी जा रही थी जिस ऑफेंस के लिए, वो पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, बॉन्ड फोरफीट हो जाएगा, आ जाओ जेल में। ठीक है, यस यस रिकॉर्डेड भी होगा। ठीक है, यस प्रतीक जी, वही मैंने बताया कि अगर आपका श्योरिटी मना कर दे कि सॉरी मैं तो इस वेरिएशन से एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं, तो कोर्ट आपको बोलेगा, दैट इज कन्विक्टेड पर्सन को बोलेगा कि भैया तुम्हारा ये जो तुम पहला दोस्त उठा के लाए थे, ये तो दगाबाज निकला, धोखेबाज निकला, अब तुम देख लो कोई नया दोस्त है जो तुम्हारा श्योरिटी बनने को रेडी है, तो उसको लेके आओ। अगर वो देता है वेल एंड गुड, नहीं दिया बेचारे को, जनरली ऐसा ही होता है ना, अगर कोई गलती से भी एफआईआर लग जाए तो सब लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो मान लो उस श्योरिटी ने रिफ्यूज कर दिया कि नो सॉरी, अब बेचारे को जब बोला कि फ्रेश बॉन्ड में भरिए, फ्रेश बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि कोई नया श्योरिटी नहीं मिला, तो बेचारे को आना पड़ेगा जेल में, ओरिजिनल सेंटेंस भुगतनी पड़ेगी। क्लियर प्रतीक जी, ओके डन। चलिए आगे चलेंगे, सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है। जब हमने सेक्शन नंबर 8 में यह पढ़ लिया कि कोर्ट के पास पावर है कि कंडीशन में वेरिएशन कर सकता है, तो सेक्शन नंबर 9 में यह बोल रहा है कि जिन बॉन्ड पे, जिस कंडीशन पे आपने पर्सन को रिलीज किया था, वो फेल हो गया कंडीशन ऑब्जर्व करने के लिए, सेक्शन नंबर 3 में कोई सदाचार, वो डांट फटकार का कोई असर ही नहीं है, अभी भी नौटंकी कर रहा है, सेक्शन नंबर 9 में सेक्शन नंबर 4 में जहां उसका सुपरविजन करने वाला व्यक्ति बता दे कि नहीं ये तो जाके और भी बदतमीजी कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है दूसरे लोगों को कि मैं तो जेल से छूट के आ गया हूं, क्या कर सकते हो तुम, उखाड़ लो जो उखाड़ना, ऐसी बातें अगर कर रहा है, या पता चल रहा है कि भैया इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ढीठ प्राणी है, तो उस केस में क्या हो जाता है, कंडीशंस ऑब्जर्व करने में फेलियर कर दिया है। तो कोर्ट यहां पे अच्छे से सुनना, एंड 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 और का फर्क देखना कहां पे है और कहां पे नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये छोटी मोटी चीजें होती है जो हम गलती कर देते हैं। पता चला कि कंडीशंस ऑब्जर्व करने में फेल कर दिया, कोर्ट दो चीजें कर सकता है। पहला क्या करेगा, इशू अरेस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट बताओ, इशू अरेस्ट वारंट, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, यहां पे समन इशू किया जाएगा। क्या इशू किया जाएगा, समन इशू किया जाएगा। समन के प्रोविजंस कहां दे रखे हैं हमें सीआरपीसी में, इट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 61-69। वारंट के प्रोविजंस हमें सीआरपीसी में कहां दे रखे हैं, 70 से लेके 81 तक, बराबर चीज, 70 से लेके 81 तक। तो या तो वारंट इशू करेंगे या समन। अब समन इशू किया, अगर आपको बुलाया तो आप क्या करेंगे, अपियर ही होंगे ना, आपको कोई पकड़ के थोड़ी ला रहा है, इसलिए वर्ड अपियर हैज बीन यूज्ड। लेकिन अगर अरेस्ट वारंट जारी किया गया तो आपको पकड़ के लेके आया जाता है, आप खुद से नहीं आते, इसलिए वर्ड ब्रॉट लिखा है वहां पे, व्हेन द अक्यूज्ड इज ब्रॉट और अक्यूज्ड अपियर्स, अपियर्स मतलब वॉलंटरी अपियर हुआ है, और ब्रॉट मतलब उसको कोई पकड़ के लेके आया, मतलब पुलिस ऑफिसर या जिसको भी वारंट डायरेक्ट किया गया है। वारंट कैन बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन प्रोवाइडेड कि मजिस्ट्रेट को उचित लगे, ओके। तो जब उस पर्सन को, वो पर्सन या तो अपियर हुआ या उसको लेके आया गया, यहां पर कोर्ट के पास दो चीजें करने का पावर है। पहला, या तो उसको क्या करेंगे, हम रिमांड कर देंगे कस्टडी के लिए,
रिमांड हिम टू कस्टडी, कोर्ट के पास पावर है कि उसको हम कस्टडी में भेज देंगे या फिर हम उसको बेल दे सकते हैं। ये जैसे ही वो कोर्ट में आया या उसको लेके आए तब की बात है, लेकिन हियरिंग हो गई, आफ्टर हियरिंग कोर्ट को लगता है कि हाँ जी इसने कंडीशन फेल की है, इसने कंडीशन को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया है, ही हैज फेल्ड। अगर हियरिंग के बाद ये पता चल जाए दैट यस ही हैज फेल्ड, तो दो चीजें कर सकता है कोर्ट। पहला, उसको सेंटेंस कर देगा, किसके लिए? ओरिजिनल पनिशमेंट के लिए, या तो सेंटेंस कर दिया जाएगा या फिर उसको पेनल्टी भरने को बोलेंगे। और ये पेनल्टी कितनी होगी? ये पेनल्टी मैक्सिमम ₹50 होगी। पुराना एक्ट है इसलिए आपको ₹50 का वहां पे पेनल्टी देखने को मिलेगा, बराबर। अब जब पेनल्टी मिली, और पेनल्टी भी कब? जब उसने फर्स्ट टाइम फेलियर किया है, फर्स्ट टाइम फेलियर किया है कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए। अब मान लीजिए उसने पेनल्टी नहीं दी, पेनल्टी उसने पे नहीं किया, आ जाइए ओरिजिनल सेंटेंस। ओरिजिनल सेंटेंस कोर्ट यहां पे अब ग्रांट कर देगा। कहानी समझ आ गई सबको पूरी? वापस से समझा रही हूं, सेक्शन नंबर 9 में कंडीशंस ऑब्जर्व नहीं किया, कोर्ट क्या करेगा? या तो अरेस्ट वारंट इशू करेगा या समन इशू करेगा। खुद से आ जाता है तो बढ़िया, या कोई पकड़ के लाता है तो भी बढ़िया। जैसे ही कोर्ट में हाजिर हुआ, या तो कोर्ट उसको रिमांड कर देगा कस्टडी के लिए या फिर बेल पे छोड़ देगा। अब मान लो बेल पे छूटा था उसके बाद हियरिंग हुई, या फिर कस्टडी में था उसके बाद हियरिंग हुई, और फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि भैया हाँ जी उसने सच में कंडीशन ऑब्जर्व नहीं किया। अगर वो ये प्रूफ कर देता कि नहीं मेरे पास कुछ सफिशिएंट कॉजेस थे कि क्यों मैं कंडीशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा शिफ्ट हो जाऊंगी, ओके? तो अगर वो ये सफिशिएंट रीजंस दे दे तो कोर्ट उसको क्या कर सकता है? लेट गो कर सकता है। लेकिन अगर उसने सच में फेलियर कर दिया है तो कोर्ट उसको ओरिजिनल पनिशमेंट दे देगा, या फिर बोलेगा भैया ₹50 की पेनल्टी दे दो, ₹50 की पेनल्टी दे दो और तुम्हारा बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ₹50 की पेनल्टी भी नहीं दी, अब आ जाओ ओरिजिनल सेंटेंस, ठीक है? बराबर, क्लियर, डन। चलो आगे चलेंगे, और जहां पे अब हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 10। अब देखो सेक्शन नंबर 10 बहुत बेसिक सी चीज बोल रहा है कि श्योरिटी के मामले में कुछ प्रोविजन सीआरपीसी के प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे अप्लाई करेंगे। श्योरिटी के मामले में पुरानी सीआरपीसी, दैट इज सीआरपीसी 1898 का सेक्शन 122, 126, 126A, 406A, 514, 14B है, 515, ये सारे सेक्शंस जो हैं श्योरिटी के मामले पुरानी सीआरपीसी के अप्लाई होंगे। लेकिन हमको पुरानी सीआरपीसी पढ़नी नहीं है तो हमें उसके सेक्शंस भी याद नहीं रखने। सिंपल, अब आपको क्या याद रखना है, न्यू सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 121 से लेके 124 अप्लाई होगा। किस मामले में? जब कोई पर्सन श्योरिटी बन रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 8 और 9, तो उसको गवर्न करने के लिए सेक्शन नंबर 121 से लेके 124 अप्लाई हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? अगर सबको ये पॉइंट क्लियर है तो अब हम चलेंगे हमारे अपील और रिविजन पे। मुझे लग रहा है कि हमें अपील और रिविजन अभी करना चाहिए या पहले प्रोबेशन ऑफिसर को पढ़ ले, बताओ सबको यहां तक क्लियर? अगर कहीं समझ नहीं आया है तो मुझे बताओ कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं है। क्लियर है, ओके? देखो अगर सेशन पसंद आए तो कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ मैम सेशन पसंद आया है, या क्या पसंद नहीं आया है, या आपको कुछ और वेरिएशंस चाहिए ना। जैसे स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी कि ब्लैक स्लाइड यूज मत करो तो हम वाइट के साथ आए, और कोई चीज चाहिए कि मैम ये चीज भी इंक्लूड करो तो वो भी करेंगे। जैसे नाउ आई हैव स्टार्टेड एडिंग योर मेजर केस लॉज ऑल्सो, ठीक है? हर सेशन में हम लोग केस लॉ भी ऐड करेंगे ताकि एक ही सेशन में आपको सब कुछ डन हो जाए, ठीक है? चलो अब सुनो, आगे हमें अपील और प्रोबेशन ऑफिसर पहले, चलो प्रिया जी आपकी बात मान लेते, प्रोबेशन ऑफिसर पहले पढ़ेंगे, ठीक है? अब सुनो मैम, ये आरजीएस में, दैट इज राजस्थान में, गुजरात में है, ठीक है? चलो, और भी कुछ स्टेट्स में होंगे लेकिन फिलहाल राजस्थान और गुजरात आपको पास में दिख रहा है इसलिए, ठीक है? अब ऐसा मत समझ लेना कि आरजीएस तो अभी चलो 2-3 महीने दूर है तो बैठ जाते हैं, थोड़ा 2-3 महीने यू निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यूपी का वैकेंसी है ना, दिसंबर में अनाउंस हो गया था, एग्जाम हो गया और कल परसों रिजल्ट आ गया था, ठीक है? क्लियर है, ओके? कृति जी देखो मैंने क्या बोला, सेक्शन नंबर 10 में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं श्योरिटी के। जब सेक्शन नंबर 8 या 9 में कृति जी आप किसी की श्योरिटी बनते हो तो आपको गवर्न करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस होंगे। अब वो पर्टिकुलर सेक्शन हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में डाल के प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बड़ा नहीं बनाया, इनफैक्ट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ये बोल दिया कि सेक्शन नंबर 121 से लेके 124 और सीआरपीसी यहां पर श्योरिटी पर अप्लाई हो जाएंगे।
अब 121 से 124 कब श्योरिटी देनी है, कब नहीं देनी है, क्या प्रोविजंस रहने वाले हैं, एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेशन, वो हम सीआरपीसी के सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रेगुलर लेक्चर से थोड़ा अपडेटेड रहिएगा, वहां मैं बताने वाली हूँ कि जब आप 106 से लेके 124 का सेगमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पॉइंट्स हैं। बराबर क्लियर है ये चीज? ओके चलो अब आगे चलेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में सबसे पहले हमने कहां पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट प्रोबेशन ऑफिसर इन योर सेक्शन नंबर 4, देन हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 6 में, क्योंकि ये प्रोबेशन ऑफिसर एक रिपोर्ट बना रहा है, एक रिपोर्ट बनाता है, इसकी कुछ ड्यूटीज हैं। तो अब हमें प्रोबेशन ऑफिसर से रिलेटेड चार सेक्शन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? चार सेक्शन पढ़ने, सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 16। तो मैम 13, 14 दिख रहा है, 15, 16 किधर है? 15, 16 इधर है, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोबेशन ऑफिसर कौन बन सकता है, क्या आप और मैं प्रोबेशन ऑफिसर बन सकते हैं क्या? तो सेक्शन नंबर 30 ने ये बोला कि प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या ऐसी कोई भी सोसाइटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है वो प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंटमेंट कर सकती है, या कोई भी ऐसे पर्सन को हम प्रोबेशन ऑफिसर बना सकते हैं जो कि कोर्ट के ओपिनियन में फिट है, जो कोर्ट मैटर देख रहा है उस कन्विक्टेड पर्सन का, अगर उनको लगता है कि आप और मैं भी फिट है, थोड़ा बहुत मतलब अच्छा नॉलेज होल्ड करते, तो हमें भी प्रोबेशन ऑफिसर बनाया जा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्री में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, देर आर थ्री पीपल और थ्री अथॉरिटीज हु कैन अपॉइंट प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर किसके कंट्रोल में रहने वाला है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डायरेक्ट कंट्रोल में रहने वाला है। लेकिन जो भी पर्सन प्रोबेशन ऑफिसर बनेगा उसको क्या किया जा सकता है? सुपरविजन ऑर्डर दिया जा सकता है। सुपरविजन ऑर्डर हमने कहां पढ़ा था? सुपरविजन ऑर्डर हमने सेक्शन नंबर 4 में पढ़ा था। सुपरविजन ऑर्डर की मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 ईयर। सुपरविजन ऑर्डर की मिनिमम टाइम ड्यूरेशन क्या है? एक बार वापस सेक्शन नंबर 4 में मैं कंफर्म कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि गलती हो जाए कुछ, ठीक है? यस, इट इज योर मिनिमम 1 ईयर, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। सब सेक्शन 3, पास द सुपरविजन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर नेम्ड इन द ऑर्डर ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड देयर। बराबर, तो मिनिमम 1 ईयर के लिए सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन सुपरविजन ऑर्डर पास करने का पावर किसको? अगर प्री में सवाल आ जाए कि सुपरविजन ऑर्डर क्यों पारित किया जाता है, ताकि जिस पर्सन को हमने प्रोबेशन पे रिलीज किया सेक्शन नंबर 4 में, उसकी देखरेख की जा सके, हाँ, निरीक्षण किया जा सके, नजर रखी जा सके कि सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जाके और लड़ाइयां कर रहा है कि क्या कर रहा है। ओके, वी हैव टू सुपरवाइज हिम, ऑब्जर्व हिम, ऑब्जर्व हिज बिहेवियर। तो ये दो लोगों में से कोई भी एक पास कर सकता है, दैट इज कोर्ट जिसने की सेक्शन नंबर 4 का ऑर्डर पास किया, या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसके की डिस्ट्रिक्ट में वो ऑफेंडर रिसाइड कर सकता है। इन दोनों में से कोई भी पर्सन सुपरविजन ऑर्डर हैंडओवर करेगा किसको? प्रोबेशन ऑफिसर को। और प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है? प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है जिसको की सेक्शन नंबर 13 में तीन अथॉरिटीज क्या कर रही है? अपॉइंट कर रही है। क्लियर? मिनिमम टाइम पीरियड सुपरविजन ऑर्डर का 1 ईयर, प्रोबेशन का मैक्सिमम टाइम पीरियड, दैट इज कितने टाइम पीरियड के लिए आप किसी पर्सन को प्रोबेशन पे रिलीज कर सकते हैं, दैट इज हाउ मच? नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। एडमोनिशन का कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, ना ही सीआरपीसी में एडमोनिशन का टाइम पीरियड दे रखा है, ना ही आपके प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में एडमोनिशन का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा है। लेकिन सीआरपीसी और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट दोनों में ही प्रोबेशन का टाइम पीरियड दे रखा है, एंड द टाइम पीरियड इज सेम, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 ईयर्स। ठीक है, क्लियर? अब इस प्रोबेशन ऑफिसर की कुछ ड्यूटीज भी होंगी। सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वो इंक्वायर करेगा उस सर्कमस्टांसेस की, जिन सर्कमस्टांसेस में केस हुआ है या फिर ऑफेंस हुआ है, या फिर वो होम सराउंडिंग्स जहां पे वो अक्यूज्ड या कन्विक्टेड पर्सन रहता था, कौन सी सिचुएशंस में वो रहा है, क्या चीजें थी जो उसको इन्फ्लुएंस की है, कौन से एनवायरमेंट में वो रहा है। नेक्स्ट इज सुपरवाइज प्रोबेशनर्स। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर को हमने सुपरविजन ऑर्डर दे दिया, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट पासिंग द ऑर्डर ने उसको सुपरविजन ऑर्डर दे दिया, तो उसको प्रोबेशनर्स को क्या करना पड़ेगा? सुपरवाइज करना पड़ेगा। देखो, सुपरवाइज होम प्रोबेशनर्स, एडमोनिशर्स नहीं लिखा है यहाँ पे, वो प्रोबेशनर्स जिनको सेक्शन नंबर 4 में रिलीज करते। तो हमेशा दिमाग में ध्यान रख लेना, प्रोबेशन ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 4 में पास होगा, कभी 3 में पास नहीं होगा। 3 में तो हमने बोल दिया ना, जाओ जियो अपनी जिंदगी, अब उसको क्या ऑब्जर्व करना है। लेकिन सेक्शन नंबर 4 में, क्योंकि हमें पता है कि कुछ टाइम बाद उसको वापस जेल में लेके आना है, वापस उसको सजा भुगतनी है, तो हम देखे तो सही, कहाँ रह रहा है, कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया, कहीं भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा।
ओके सो सुपरविजन ऑर्डर ऑलवेज अंडर सेक्शन नंबर 4. तो प्रोबेशनर्स को वो सुपरवाइज करेगा, देख रेख करेगा, नजर रखेगा. देन यहाँ पे एड और एडवाइस करना है, एडवाइस करना है या असिस्ट करना है कोर्ट को. क्यों? कॉम्पनसेशन पे करने के लिए. हमने कॉम्पनसेशन की बात कहां की थी? सेक्शन नंबर 5 में. कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट. कॉम्पनसेशन किस चीज के लिए? लॉस और इंजरी सस्टेन टू योर विक्टिम. एंड कॉस्ट किसके लिए? जो भी एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग में एक्सपेंड किए हैं किसने? विक्टिम ने. तो ये पे करना है. इसका क्वांटम क्या होगा, कैसे निर्धारित करना है, ये एडवाइस या असिस्ट कौन करने वाला है? प्रोबेशन ऑफिसर करने वाला है. एज वेल एज रिलीज अंडर सेक्शन 4. किसी पर्सन को प्रोबेशन का बेनिफिट देना है या नहीं देना है उसके लिए असिस्ट हमारा प्रोबेशन ऑफिसर करेगा. सोचो प्रोबेशन ऑफिसर क्यों करेगा? बिकॉज प्रोबेशन ऑफिसर इज द वन हु इज मेकिंग द रिपोर्ट. उसी ने मैटर को अच्छे से गहराइयों से देखा है. तो कैन आई से प्रोबेशन ऑफिसर इज समवेयर प्लेइंग द रोल ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दैट इज आईओ या पुलिस ऑफिसर आपके एक ऑफेंस से रिलेटेड मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. लेकिन प्रोबेशन ऑफिसर बेसिकली उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, क्या उम्मीद है उस पर्सन में रिफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए वो क्या करते हैं? एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ओके एंड अदर ड्यूटीज जो कि प्रिस्क्राइब किया जा सके. हो सकता है कि आपके रूल्स में कुछ अलग ड्यूटीज अगर स्टेट गवर्नमेंट डाल दे तो वो सारी क्या हो सकती है, हमारे प्रोबेशन ऑफिसर को निभानी पड़ सकती है. इट इज गिवन अंडर योर सेक्शन नंबर 14 का सबसेक्शन ई देखिए. परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. जहां वर्ड प्रिस्क्राइब देता है दिखता है, मतलब कहां प्रिस्क्राइब्ड? रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड. ओके सो ये हुआ हमारा प्रोबेशन ऑफिसर. प्रोबेशन ऑफिसर में मैंने बोला आपको दो सेक्शन और पढ़ने हैं, 15 एंड 16. 15 में ये बोला कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है या हमारे प्रोबेशन ऑफिसर ने क्या किया, गुड फेथ में कोई भी एक्शन लिया तो उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा. इट इज अ इम्यूनिटी सेक्शन कि हम उनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे अगर उन्होंने कोई भी गुड फेथ में एक्ट किया है. दिस इंक्लूड्स योर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्लस योर प्रोबेशन ऑफिसर्स. बराबर. और दूसरा पॉइंट क्या बोला सेक्शन नंबर 15 में कि प्रोबेशन ऑफिसर्स क्या होने वाले हैं, पब्लिक सर्वेंट होने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड. वैसे कि वैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी हमने देखा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, वो क्या होते हैं सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी के लिए पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं. बराबर है ये चीज. ओके सौरभ जी बताएंगे बताएंगे है ना, जल्दी बताएंगे. ठीक है, कमिंग टू योर पॉइंट, थोड़ा सा सेशन फिनिश कर लो, उसके बाद सेशन खत्म होने के लगभग में जब मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ तब मुझे बताओ कुछ आपके डाउट्स हैं ऐसे. ठीक है, यस. जैसे कमिश्नर अपॉइंट करते, बिल्कुल, जहां पे सीपीसी में क्यों आचल जी, हम लोग सीआरपीसी में भी कमिश्नर का अपॉइंट पढ़ेंगे ना, 484 वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं. देखो बेसिकली कमिश्नर का थोड़ा काम अलग रह जाता है. कमिश्नर का काम क्या होता है कि विटनेस का एग्जामिनेशन करना है ना. तो स्पेशल कुछ मामलों में हम कमिश्नर को अपॉइंट करते थे कि वो विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे, उनके स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे बेसिकली वो कोर्ट को असिस्ट करे, काम कमिश्नर का भी असिस्ट करने का है, लेकिन बस कॉन्टेक्स्ट अलग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा कन्विक्ट को बेनिफिट दे रहे हैं. ओके पॉइंट क्लियर. चलिए सो सेक्शन नंबर 15 में पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे. सेक्शन नंबर 17 अति महत्वपूर्ण, पावर टू मेक रूल्स किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास. गुजरात जुडिशरी के स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, आपके पास बहुत सारे माइनर लॉज है, सभी में रूल मेकिंग पावर किसके पास है इसका एक अलग से चार्ट बनाना है आपको. ऑफेंसेस का नेचर क्या है, आपके ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, इन सब का एक अलग से चार्ट बनाना है. सेक्शन नंबर 17 में जहां पे रूल्स एक स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा लेकिन उसको अप्रूव कौन करेगा, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा. क्या मैं इस सेक्शन को सेक्शन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि सेक्शन नंबर 1 कहता है कि हर स्टेट में ये एक्ट तब कमेंस होगा जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी. मैं इसको एक और कोड के साथ कनेक्ट करूंगी, दैट इज योर लेबर कोड. लेबर कोड, अब लेबर कोड के साथ कनेक्ट क्यों कर रही हूं, क्योंकि हमारे चारों लेबर कोड्स तैयार हैं लेकिन अभी तक इफेक्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं, बिकॉज सेंटर इज वेटिंग फॉर द स्टेट टू नोटिफाई द रूल्स. जिस दिन सारे स्टेट सारे यूनियन टेरिटरीज अपने रूल्स लेके तैयार हो जाएंगे उस दिन हमारे लेबर कोड्स एनफोर्समेंट में, दैट इज कमेंसमेंट में आ जाएंगे. और अब मुझे ये बताओ कि वाई सेंटर इज वेटिंग फॉर स्टेट, सिंपल है, क्योंकि लेबर कौन सा मामला है, लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. तो हमें ये देखना है कि क्या प्रोबेशन का जो सेगमेंट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है क्या,
ऑब्वियसली कॉन्करेंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा. सो योर होमवर्क इज दैट प्रोबेशन का या एडमोनिशन का जो ये एक्ट है या टॉपिक है, क्या ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है या नहीं. इसीलिए यू सी हम जब सीआरपीसी पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 29, हमने बोला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बस पावर है कि वो 10,000 रुपीज का फाइन दे देगा, तो फिर राजस्थान में 50,000 का फाइन क्यों अलाउ किया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को. राजस्थान में ऐसा क्या स्पेशल है, स्टेट अमेंडमेंट्स कैसे हो रहे हैं, बिकॉज आपका जो प्रोसीजरल लॉ है वो किसकी कैटेगरी में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट की कैटेगरी में आता है, एंट्री नंबर 2 में आता है. इसलिए स्टेट के पास पावर है कि वो सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट सेक्शन इन देयर स्टेट. बराबर, यस दैट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट. बराबर, चलिए ओके चलो आगे चलेंगे. अब देखो हमें लास्ट सेगमेंट डील करना है, दैट इज योर अपील्स एंड रिविजन्स. अगर कोई ऑर्डर सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 में पारित हुआ, दैट इज सेक्शन नंबर 3 में एडमोनिशन हुआ या सेक्शन नंबर 4 में हमने प्रोबेशन पे अगर किसी पर्सन को रिलीज किया, तो अगर कोई पर्सन उस ऑर्डर से इफेक्टेड है तो हम क्या अपील के लिए जा सकते हैं? यस, हम अपील के लिए भी जा सकते हैं और हम रिविजन के लिए भी जा सकते हैं. पर मैम ये बताओ कि अपील के लिए कौन से कोर्ट में जाएं या रिविजन के लिए कौन से कोर्ट में जाएं, कौन कौन से वो मामले हैं जब हम रिविजन में जा सकते हैं. तो फर्स्ट सेगमेंट हमें सेक्शन नंबर 11 में ये पढ़ना है, दैट हु कैन मेक ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 3 एंड 4. सेक्शन नंबर 3 एंड 4 में हमने कोर्ट का पावर दे दिया, लेकिन हम ये तो जाने कि 3 और 4 में एडमोनिशन या प्रोबेशन भी रिलीज करने का पावर किसके पास है. फर्स्ट बोला कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई. कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, कैन आई कनेक्ट सेक्शन नंबर 26 ऑफ सीआरपीसी, जो कि ये कहता है दैट विच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट और विच कोर्ट विल ट्राई द क्रिमिनल मैटर्स, यस और नो. रुद्र जी, राहुल जी, अर्चल जी, अंजलि जी, प्रतीक जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी कौन सा क्लास चल रहा है, क्या सवाल पूछ रहे हो, डू यू थिंक रिजर्वेशन जॉइंस नेशन. कभी डिबेट करेंगे इस मुद्दे पे, जो क्लास चल रही है उस क्लास से रिलेटेड थोड़ा टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो मजा आएगा, है ना. फिर क्या होता है, स्टूडेंट्स थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं ना. बराबर, आई कैन रिलेट, बिकॉज 26 क्या बोल रहा है, कोर्ट्स बाय विच द केसेस आर ट्राइबल. मतलब हम बोल रहे हैं कि कौन से कोर्ट्स कॉम्पिटेंट है सेक्शन नंबर 26 में क्रिमिनल मैटर्स को डील करने के लिए, जो कि अगर आईपीसी में हो रहा है तो कौन डील करेगा, और अगर दूसरे मामलों में हो रहा है, दूसरे लॉज में हो रहा है, तो कौन ट्राई करेगा. वहां हमने हाई कोर्ट बोल रखा है एज वेल एज कौन से कोर्ट्स जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन कर रखे हैं. बराबर, सो हाई कोर्ट ऑल्सो हैज अ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई एनी क्रिमिनल केस, बट सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव एन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. व्हाई? बिकॉज सेक्शन नंबर 6 में हाई कोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल कोर्ट. बराबर, वेरी गुड राहुल जी, गुड इवनिंग संदीप जी. बराबर, सो वो कोर्ट जो कि किसी क्रिमिनल केस को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है और सेंटेंस देने के लिए भी कॉम्पिटेंट है. सोचो ये लाइन क्यों दी, सेंटेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे सेक्शन नंबर 6 में हमने एक और कोर्ट मेंशन किया, दैट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको पनिशमेंट दे सकता है, डेथ सेंटेंस, LI दे सकता है? नहीं दे सकता. तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास प्रोबेशन और एडमोनिशन का भी बेनिफिट नहीं है. Understood. तो इस पॉइंट को सेक्शन नंबर 6 के साथ कनेक्ट करना, बिकॉज सेक्शन नंबर 6 में क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में तो बताया, बट डिफरेंस क्या है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट्स की बात करूं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑन फर्स्ट साइड एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन अदर साइड. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको कौन से पनिशमेंट्स नहीं दे सकता, LI नहीं दे सकता, डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते, रिग्रेस या सिंपल इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते हैं. क्या हो गया वॉइस, अनुराग जी वॉइस क्लियर नहीं है क्या, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द ऑडियो? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है. भारत जी क्या हुआ, नो सेक्शन 3 मतलब? बराबर, तो आप सुनो, ये सेक्शन नंबर 3 में हमने क्या बोला, सेक्शन नंबर 3, भारत जी यू आर टॉकिंग अबाउट सीआरपीसी सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर, चलो दूसरी ही स्लाइड पे जाती हूं मैं. सेक्शन नंबर 3 में हमें मिलता है सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 का क्लॉज ए एंड क्लॉज बी. क्लॉज ए किसके बारे में बोल रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फंक्शंस के बारे में बता रहा है कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं. एंड क्लॉज बी किसका बताता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शंस बता रहा है. क्या बोल रहा है, प्रोसिक्यूशन ग्रांट कर सकता है, प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर सकता है, साथ ही साथ लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. बराबर, ऑल क्लियर, ठीक है. सो दैट इज वाई वी नीड टू सी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हमने वो पनिशमेंट देने की पावर नहीं दी है जो कि आपके 53 में मेंशन है. बराबर है ये चीज. सो नाउ यू सी, तो कौन सा कोर्ट यहाँ पे सेक्शन 3 या सेक्शन नंबर 4 में
हमें प्रोबेशन का या फिर एडमोनिशन का बेनिफिट दे सकता है वो कोर्ट जो कि ऑफेंस ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है, प्लस सेंटेंस भी दे सकता है। ऑल्सो हाई कोर्ट भी सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 का बेनिफिट आपको दे सकता है, या ऐसा और कोई भी कोर्ट जो कि अपना रिविजनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, वो कोर्ट जिसके पास आपने अपना मैटर अपील और रिविजन में भेजा, मान लीजिए आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सीजेएम ने कन्विक्ट किया एंड नाउ यू आर पुटिंग योर अपील टू एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज या कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहां पे जब आपका मैटर डिसाइड हो रहा है फाइनली, तो उस वक्त आप यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 का बेनिफिट ले सकते हैं, इफ दैट अपेलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट इज डूइंग व्हाट इज गिविंग यू द बेनिफिट। ओके क्लियर? नाउ नो वी डोंट थिंक, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच डिबेटेबल इश्यूज इन द क्लास जहां पे टॉपिक कुछ और चल रहा है, ठीक है? सो इग्नोर एंड फोकस ऑन द क्लास, बराबर? अब दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 में जो भी ऑर्डर पारित हुआ उसकी हम अपील कर सकते हैं, अपील किया जा सकता है, लेकिन अपील कहाँ करेंगे? अपील वहां करेंगे जहां पर आपकी ऑर्डिनरी अपील लाइक करती है कन्विक्शन से। कहां से लाइक करती है? बेरेक में वर्ड दे रखा है सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब क्या है? कन्विक्शन है। तो जहां से हमारी ऑर्डिनरली अपील लाई करती है, जहां पर सीआरपीसी में, वहां पर हमारी अपील लाई होगी। कौन सा सेक्शन है विच सेज दैट अपील फ्रॉम कन्विक्शन? अपील फ्रॉम कन्विक्शन इज इट सेक्शन 374? यस और नो? सेक्शन नंबर 374 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 374 मेंशंस दैट अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, बराबर? क्लियर है? ओके मैम, प्री में ऑप्शंस में दोनों सीआरपीसी कॉन्फ्लिक्ट करे तो कौन सा मार्क करना? चिराग जी, क्लियर कट मेंशन होगा आपको, मेंशन होंगे आपको ग्राउंड्स कि देखो अभी 360 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एडमोनिशन और प्रोबेशन के ग्राउंड्स अलग है और यहाँ पे ग्राउंड्स अलग है, तो आपको ग्राउंड्स देख के ही पता चल जाएगा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट वाला मार्क करना है मेरे को या सीआरपीसी वाला मार्क करना है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज रिविजन। अगर आपको जो 3 और 4 में ऑर्डर मिला है आप उसका रिविजन चाहते हो, तो रिविजन देखो कौन से मामले में होगा। अगर कोई भी अपील लाई नहीं करी, ऐसा मैटर है जहां से कोई अपील लाई नहीं करती, प्लस उस पर्सन का कन्विक्शन हो चुका है और उस पर्सन को सेक्शन नंबर 3 या 4 का बेनिफिट भी नहीं दिया, कैसा सिचुएशन है? ऐसा सिचुएशन है जहां पे ना तो कोई अपील लाई करी, देखो रिविजन में कब जा सकते हैं, रेफरेंस की बात नहीं चल रही है। रेफरेंस कब करते हैं? जब लोअर कोर्ट हायर कोर्ट को रेफर करता है मैटर जहां पे कोई क्वेश्चन है लॉ का या किसी स्टैट्यूट का या उसके ऐसे पार्ट का जो कि इन ऑपरेटिव होना चाहिए या वॉइड घोषित होना चाहिए, बराबर? हम बात कर रहे हैं रिविजन की। अगर ऐसा मैटर कोर्ट ने डिसाइड किया है जहां पे अपील लाई नहीं कर रही, पेटी ऑफेंसेस हमको पता है, जहां पे कोर्ट ने पर्सन को कन्विक्ट भी कर दिया है और उसको सेक्शन नंबर 3 और 4 का बेनिफिट भी नहीं दिया है, तो हमारे कोर्ट के पास रिविजन एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। लेकिन कौन से पर्सन के पास, कौन से कोर्ट के पास आप रिविजन दोगे, कौन से पर्सन के पास रिविजन के लिए मैटर जा सकता है? उस कोर्ट के पास जहां पर अपील लाई करती फ्रॉम द सेंटेंस, उस कोर्ट के पास जहां पर ओरिजिनली अपील वुड लाई फ्रॉम द सेंटेंस या कन्विक्शन, मतलब 374 में जिस कोर्ट के पास हम अपील डाल सकते थे वहीं पर आप रिविजन एप्लीकेशन डाल दीजिए, या फिर वो कोर्ट खुद से क्या कर सकता है, मैटर के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कॉल कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो कोर्ट आपका मैटर रिवाइज कर रहा है, रिविजन कर रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन कौन डाल सकता है? पहला तो कोर्ट खुद से, सो मोटो, ऑन इट्स ओन मोशन कोर्ट कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स टू एग्जामिन वेदर अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। सेकेंड, अगर कन्विक्टेड पर्सन खुद एप्लीकेशन दे दे या फिर प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन दे दे उस कोर्ट में जहां पर की ऑर्डिनरली अपील लाई करती है सेंटेंस से 374 में, उस कोर्ट में क्या कर सकते हैं हम? रिविजन के लिए मैटर डाल सकते हैं, बराबर? इतना समझ आ गया ये पॉइंट? मैंने यहां पर 3 चीजें पढ़ाई है, रिविजन कब फाइल करोगे, रिविजनल रिविजन कहां फाइल करोगे, वेन का पॉइंट हो गया, मैं आपका इसको ब्लैक में कर देती हूं, ठीक है? व्हेन रिविजन इज टू बी फाइल्ड, वेयर रिविजन इज टू बी फाइल्ड एंड हु विल फाइल एप्लीकेशन फॉर रिविजन, बराबर? प्राची जी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? बताओ क्या पूछो चिराग जी।
ओके अनुराग जी, अच्छा सीआरपीसी से बहुत अच्छे से पढ़ो, और सीआरपीसी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी पहले बार रही हूँ, है ना। मैंने सीआरपीसी बहुत बार पढ़ ले, बट जैसे फर्स्ट टाइम यू ऑल पीपल आर वॉचिंग माई सीआरपीसी लेक्चर्स, माइनर लॉज आपने भर भर के देखे हुए हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एकदम न्यू स्टूडेंट भी अगर आकर सीआरपीसी पढ़े, या वो स्टूडेंट जैसे पढ़ तो लिया है लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अच्छी कमांड नहीं है, क्या करूँ, कहीं से कोचिंग लू नहीं लू, ये क्लासेस देख लो मोर देन एनफ, और थोड़ी अपने साइड से भी मेहनत करना, ठीक है बराबर। तो ये तीन चीजें मैंने रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू में कंक्लूड किया है। एक और पॉइंट है कि जब देखो इस कोर्ट के पास आपने क्या क्या मैटर रिवीजन के लिए भेज दिया, तो ये कोर्ट क्या कर सकता है, व्हाट कैन दिस कोर्ट डू जो कि रिवीजन के लिए मैटर गया है। ये अपेलेट कोर्ट या हाई कोर्ट, अपेलेट कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, या तो वो ऑर्डर सेट असाइड करेगा जो कि सेक्शन 3 और 4 में पारित किया गया है, मतलब आपके अगेंस्ट या फिर आपके फेवर में अगर ऐसा ऑर्डर पारित किया गया है तो उसको सेट असाइड कर देंगे, और कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ सही है। दे कैन पास एनी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन ये जो एपेलेट कोर्ट, वर्ड सोचो कि इन्होंने एपेलेट कोर्ट क्यों लगाया, वर्ड इन्होंने एपेलेट कोर्ट इसलिए लगाया स्टूडेंट्स क्योंकि यहां हमने लिखा ना कि उस कोर्ट में आप रिविजन फाइल करेंगे जहां पर कि आप अपील फाइल कर सकते हैं ओरिजिनली कन्विक्शन से, इसलिए वर्ड फाइल क्यों लगाया है यहां पे अपेलेट कोर्ट। एंड हाई कोर्ट को भी रिवीजन का पावर है, बराबर, हाई कोर्ट को भी रिवीजन का पावर है। तो इन दोनों ही केसेस में, दोनों में से कोई भी कोर्ट जो मैटर देख रहा है रिवीजन का, या तो वो ऑर्डर को सेट असाइड कर देंगे, और सेट असाइड करते वक्त वो कोई भी ऐसा सेंटेंस पास करेंगे जो कि लॉ के अकॉर्डिंग बराबर है, लेकिन वो कभी भी ऐसा पनिशमेंट नहीं देंगे जो कि ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? ग्रेटर है उस कोर्ट से जिसने कन्विक्टेड पर्सन को गिल्टी फाइंड किया। मान लीजिए सीजेएम, बराबर, सीजेएम, सीजेएम ने पर्सन को क्या किया था यहां पे, कन्विक्ट कर दिया। कितने टाइम पीरियड के लिए? क्या 7 ईयर्स का पावर है? अच्छे से सुनना, सीआरपीसी में हम क्या पढ़ के आते हैं? यस बिल्कुल प्रतीक जी, ठीक है, गुड इवनिंग बेनीवाल जी, राजेश बेनीवाल जी, बिल्कुल दे सकता है प्रोबेशन का बेनिफिट, क्यों नहीं दे सकता है? देखो ना, प्रोबेशन का बेनिफिट मतलब सुनो, अगर आपको यह समझना है कि प्रोबेशन का बेनिफिट कौन सा कोर्ट दे सकता है, सीधा आप आएंगे सेक्शन नंबर 11 में, जहां पे बोल रखा है हु कैन मेक द ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 एंड 4। 4 में क्या है? प्रोबेशन है, कौन कर सकता है? कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द मैटर। क्या हमारा कोर्ट ऑफ सेशन कुछ मैटर्स में डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता? क्या ले सकता है? ट्राई कर सकता है मैटर, या तो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है कुछ पर्टिकुलर मैटर्स में जो कि आपकी सीआरपीसी में मेंशनड है, या फिर उन मामलों में जो कि उनको कमिट किए जाए किसके द्वारा? मैजिस्ट्रेट के द्वारा, सेक्शन नंबर 190, सेक्शन नंबर 193, नॉट विथस्टैंडिंग एनी मैटर जो कि आपका मैजिस्ट्रेट जब तक आपको कमिट ना कर दे, कमिटेड फॉर द ट्रायल, तब तक कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेगा। बट दे आर सर्टन एक्सेप्शन, सेक्शन नंबर 195 से लेके 199 तक, जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा और मैटर को कमिट करने की जरूरत ही नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। क्लियर? तो कोर्ट ऑफ सेशन बिल्कुल कर सकता है। अब सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, सीजेएम के पास पावर कितना है? 7 ईयर्स का। सीजेएम ने किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया, बराबर, किसी पर्सन को मान लीजिए 2 इयर्स के लिए कन्विक्ट किया, उसको सेक्शन नंबर 3 और 4 का बेनिफिट भी नहीं दिया, वो पर्सन कहां गया? वो पर्सन गया कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन में मान लीजिए उसने अपील किया, या मान लो उसने रिवीजन किया, क्या किया? रिवीजन किया। कोर्ट ऑफ सेशन में अपील हो सकती है? कोर्ट ऑफ सेशन में अपील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जब कोर्ट ऑफ सेशन में अपील हो सकती है तो वहां पे रिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला लाइन देखो आप, ये वाला, जब वहां पे रिवीजन हो रही है तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या नहीं करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो 7 साल की पावर है, इससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इट वॉज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हु फाउंड दिस पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, बराबर। तो 7 साल से ज्यादा का पनिशमेंट कोर्ट ऑफ सेशन नहीं देगा। तो भले ही आप हायर कोर्ट में गए हो, लेकिन हायर कोर्ट भी क्या नहीं कर रहा है, जब सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 का ऑर्डर जो बेनिफिट कन्विक्टेड पर्सन को मिला उसको सेट असाइड कर रहा है, तो कन्विक्टेड पर्सन को उस पॉइंट से, उस लेवल से, या उस एक्सटेंट से पनिशमेंट ज्यादा नहीं दे सकता जिसने कि उस पर्सन को गिल्टी फाइंड किया है। समझ आ गया? यस और नो? बराबर, ओके। सो यू सी, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाले सेगमेंट ने सेक्शन नंबर 28 और 29 में दी गई पावर्स को, लिमिट्स टू एक्सरसाइज द पावर वाइल अवॉर्डिंग द सेंटेंस को क्या क्या है, लिमिट करके रखा है। ज्यूरिसडिक्शन दिया है कि कितनी सेंटेंस आप दे सकते हो, उसको वापस मैं कह सकती हूं कि उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं किया है। ओके, यस यस, एमसीक्यू भी कराऊंगे। ओके,
यस, ओरिजिनल कोर्ट वाला ही पनिशमेंट मिलेगा। चलो अब आगे चलेंगे, जहां पे हमको एक बहुत ही प्यारा सा सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन नंबर 12। कोई सेक्शन रह गया तो मुझे बताना, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द सेक्शन। सेक्शन नंबर 12 जो कि कहता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छे से सुनो एक एक वर्ड, रिमूवल हो रहा है किसका? डिस्क्वालिफिकेशन का। कैसी डिस्क्वालिफिकेशन है? वो डिस्क्वालिफिकेशन है जो कन्विक्शन के साथ अटैच्ड थी, इससे चिपकी हुई है। कैसे? एग्जाम्पल सुनो, वी हैव सीन कि जब कोई पर्सन कन्विक्ट होता है तो उसको कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल सोचो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हो सकती है। पहली डिस्क्वालिफिकेशन मैं खुद लिख देती हूं, ठीक है? एग्जाम्पल हो सकता है दैट ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। क्या नहीं कर सकता? ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन प्लस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम नहीं दे सकते। ये जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम भी नहीं दे सकते, इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, इनफैक्ट आप पर्चा ही फिल नहीं कर सकते। बराबर सेक्शन नंबर 7 हो गया ना आचल जी। व्हेन वी डेल्ट सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 में हमने रिपोर्ट की बात की थी, तब हमने क्या बोला कि आपको रिपोर्ट क्या करनी है? कॉन्फिडेंशियल रखनी है। ये देखो, ठीक है आचल जी, यहां पे हमने डील कर लिया, छोटा सा पॉइंट था वो। तो वी हैव सीन कि जब कोई पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाता है, इंप्रिजनमेंट या सजा दे दी जाती है, तो उसके साथ एक डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड होती है। मतलब अगर तुमको सजा मिली तो ये डिस्क्वालिफिकेशन तुम्हारे साथ साथ तब तक चिपकी रहेगी जब तक कि आपका वो कन्विक्शन टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन सेक्शन नंबर 12 ये कहता है दैट मैम इफ आपका कन्विक्शन तो हो गया, बट जब कन्विक्शन आपका हुआ तो आपको सेक्शन नंबर 3 और 4 का बेनिफिट मिल गया। तो भैया जब 3 और 4 का बेनिफिट मिल गया तो डिस्क्वालिफिकेशन भी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। मतलब अगर कोई पर्सन ने ऑफेंस किया पर सेक्शन नंबर 3 में उसको एडमोनिशन पे रिलीज कर दिया, सेक्शन नंबर 4 पे प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया, तो जब बाहर आ रहा है वो प्रोबेशन पे है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एग्जाम दे पाएगा। बट यस, दिस विल बी सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी वेदर दे वांट टू रिक्रूट सच पर्सन हैविंग अ रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल केस और नॉट। ओके, जनरली वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है? बच्चे परेशान? अच्छा आपका बच्चा परेशान है, ओके ओके ओके, ठीक है कुछ पूछिए, टेक योर टाइम एंड फिर आराम से स्टडी कीजिएगा, ओके बराबर। तो वो सारे डिस्क्वालिफिकेशन जो कि आपके कन्विक्शन से अटैच थे वो रिमूव हो जाएंगे जैसे ही आपको सेक्शन नंबर 3 और 4 का बेनिफिट मिलता है। एक बार सेक्शन नंबर 12 की टेक्निकल लैंग्वेज को पढ़ते हैं और फिर हम फटाफट सेशन को ओवर कर देंगे, ओके? अच्छा अभी तो हमें केस लॉ डिस्कस करने, सुनो। इट सेज notwithstanding anything contained in the other law, a person found guilty of an offence and dealt with the provision of section number 3 and 4, jab 3 or 4 ka benefit mil gaya, shall not suffer any disqualification attaching to the conviction of an offence, provided. ab inhone kya bola, kya cheez hai, ek aur proviso bol diya, jaise hi proviso dikhta hai matlab aapko pata hona chahiye ki ye koi condition impose kar raha hai, provided that nothing in this section shall apply to a person who After his release under section number 4 is subsequently sentenced for the original offence. मतलब जहां हमने section number 4 में उसको क्या किया? Probation पे release किया, लेकिन उसने condition breach कर दिया या फिर उसको वापस original sentence मिली, तो अब ये disqualification remove नहीं होगी, वापस attach हो जाएगी। Clear है ये point? देखो सेक्शन नंबर 3 में तो हम उसको अल्टीमेटली रिलीज कर रहे हैं, लेकिन 4 में उसको वापस आना है, वापस आना है जेल में, उसको सजा काटनी है। तो जब सेक्शन नंबर 4 में उसको वापस से हम ओरिजिनल सेंटेंस के लिए पनिश कर रहे हैं तो उस वक्त क्या नहीं होगा? वो डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव नहीं होगी, अब उसको वो डिस्क्वालिफिकेशन वापस से भुगतनी पड़ेगी, उन चीजों का वापस से हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्लियर है? इज सेक्शन नंबर 12 क्लियर टू एवरीबॉडी? सो हियर वी हैव फिनिश्ड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेरेट का प्रोविजन। Now I will come to section number 360. 360 से related हमें ये दो पॉइंट समझने हैं। 360 में आपको 10 सब सेक्शंस दे रखे हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज सब सेक्शन, कहाँ गया मेरा पेन, ओके, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 3 एज वेल एज सब सेक्शन 10। बस ये 3 सब सेक्शन हमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के साथ पढ़ना है। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी पहले, सुनो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में एडमोनिशन एंड प्रोबेशन अलग अलग सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। लेकिन जब मैं बात करूं सीआरपीसी की तो एक ही सेक्शन नंबर 360 में एडमोनिशन भी दे रखा है और प्रोबेशन भी दे रखा है, लेकिन 360 में सब सेक्शन अलग है। सब सेक्शन 1 में हमको प्रोबेशन के बारे में दे रखा है,
और सब सेक्शन थ्री में हमें एडमोनिशन के बारे में दे रखा है, या सब सेक्शन थ्री या सेक्शन नंबर थ्री, ये थोड़ा सा पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ सेक्शन नंबर टेन में नो इफेक्ट बताया है, ये सेगमेंट हमको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के साथ पढ़ना है। तो जब आप प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट का ये चार्ट बना रहे हैं, जो सेक्शन नंबर फाइव भी बताया मैंने कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट का, तो वहां पे आप सीआरपीसी का ये सेगमेंट भी साथ में पढ़ेंगे। आप सुनो फटाफट से सीआरपीसी के सेगमेंट्स पे आएंगे, जहां पे सबसेक्शन वन में हमें ये देखना है कि सीआरपीसी में प्रोबेशन पे रिलीज कौन से ग्राउंड पे किया जाएगा। तो यहां बोला अगर पर्सन 21 ईयर्स अबव है और उसको ऐसी पनिशमेंट मिली है जहां पे उसको फाइन देने को बोला, या फिर 7 ईयर्स है या 7 ईयर से ज्यादा नहीं, मतलब 7 ईयर से कम है, 21 ईयर है मतलब बालिग है, पूरा प्रॉपर आदमी है, उसको फाइन देने के लिए बोला है पनिशमेंट में, या फिर 7 ईयर या 7 ईयर से कम की पनिशमेंट दी गई है, या फिर दूसरी सिचुएशन कौन सी हो सकती है, ऐसा पर्सन जो कि 21 ईयर से बिलो है, 21 ईयर से बिलो है, या फिर विमेन है, उसको ऐसी पनिशमेंट दी गई है जो कुछ भी हो सकती है पनिशमेंट, लेकिन डेथ और एलआई नहीं है, डेथ और एलआई नहीं है। तो अब मुझे सभी स्टूडेंट्स एक बात बताएंगे, पॉइंट नंबर वन में स्कोप ब्रॉडर है या पॉइंट नंबर टू में स्कोप ब्रॉडर है? मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर टू में स्कोप ब्रॉडर है, क्योंकि इसमें कोई भी पनिशमेंट मिली आपको, आपको सेक्शन नंबर 360 में कोर्ट प्रोबेशन पर रिलीज करने के लिए कंसिडर कर सकता है, प्रोवाइडेड बस वो पनिशमेंट डेथ और एलआई नहीं हो सकती। लेकिन ये पॉइंट नंबर वन जो मैंने बोला है, इसमें थोड़ी उम्मीद कम है, 10 साल की पनिशमेंट मिल गई ऐसे पर्सन को जो भी 21 साल से ऊपर है, कोई प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं है, कोई प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं है बराबर। लेकिन अब मुझे ये बताओ, सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में प्रोबेशन का बेनिफिट कब मिलता है? जब आपने ऐसा कोई भी ऑफेंस किया है विच इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और एलआई। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये 21 ईयर्स वाला मामला मत देखना, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 ऑफ 360 एंड सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को कंपेयर करो और अब बताओ यहां पे स्कोप किसका ब्रॉडर है, सेक्शन नंबर 4 का ब्रॉडर है कि नहीं है? क्योंकि वहां पे क्या बोला कि कोई भी ऑफेंस किया है अगर किसी पर्सन ने, लेकिन वो किससे पनिशेबल नहीं है, डेथ या एलआई से नहीं है। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, क्या सेक्शन नंबर 360 का स्कोप ब्रॉडर है अबाउट 21 ईयर्स के मामले में, या फिर सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का स्कोप ब्रॉडर है ऐसे ऑफेंस जाकि कोई भी पनिशमेंट किया जा सकता है, मतलब कोई भी पनिशमेंट कर रहा है उसका कितना भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, बस डेथ और एलआई नहीं। बराबर, क्लियर है? अंजलि जी समझ आए, सबको समझ आए? यस और नो, फटाफट सोचो भाई, सिर्फ 7 साल तक का अगर ऑफेंस हुआ है तो 7 साल से ऊपर किया कोई बेनिफिट नहीं है 360 में, फिर वहां क्या अप्लाई हो जाएगा? फिर यहाँ पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? ओके, यस, बट 21 साल में, वेरी गुड सोनम जी। यहाँ पे क्या है, 21 साल अबव वाले को, 21 साल अबव वाले को ही 7 साल तक का बेनिफिट है, लेकिन 21 साल से कम है तो कहना है इसे 21 साल से कम है और जो विमेन है उसका और सेक्शन नंबर 4 दोनों का स्कोप इक्वल है, यस और नो? 360 में, जो सेक्शन नंबर 360 में हमें प्रोबेशन का बेनिफिट दो तरह के लोगों को दे रहा है, एक जो कि 21 से ऊपर है और एक जो कि 21 से नीचे, 21 से जो नीचे है और जो विमेन है उसको कोई भी पनिशमेंट अगर मिली है प्रोवाइडेड डेथ और एलआई नहीं, तो सेम पॉइंट ही तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में है, बस यहां पे एज और जेंडर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। दिस इज द रीजन दैट द स्कोप ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट सेक्शन नंबर 4 इज ब्रॉडर देन दैट गिवन इनटू योर 360 इन केस ऑफ पर्सन अबव 21 ईयर्स, बट इन केस ऑफ अ पर्सन बिलो 21 ईयर्स एंड अ वुमन प्लस सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का दोनों का स्कोप बराबर है। बराबर, क्लियर? अब दोनों ही केसेस में कोर्ट क्या करेगा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ सो दैट थिंग्स बिकम क्लियर फॉर यू। ओके, अब दोनों ही केसेस में कोर्ट क्या करेगा, अबाउट 21 या बिलो 21 में प्रोबेशन पे रिलीज कर सकता है इन ग्राउंड्स पे, बट क्या कंसिडर करेगा, उस पर्सन की एज कंसिडर करेगा, उस पर्सन का कैरेक्टर कंसिडर करेगा, उस पर्सन की एंटीसीडेंट्स ऑफ ऑफेंडर, मतलब पहले क्या हिस्ट्री रही है उसकी, वो कंसिडर करेगा, एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ केस को कंसिडर करेगा। तो सेक्शन नंबर 4 से अलग क्या है, सेक्शन नंबर 4 से अलग एज है एंड एंटीसीडेंट्स है, कैरेक्टर वहां पे भी देख रहे हैं और सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑफेंस वहां पे भी देख रहे हैं। उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है बॉन्ड पे विद और विदाउट श्योरिटी, ये पॉइंट हमारे सेक्शन नंबर 4 में भी था। ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड पे हम प्रोबेशन पे किसी पर्सन को ना तो 360 में रिलीज कर सकते ना सेक्शन नंबर 4 में रिलीज कर सकते। ओके, 360 में, अब अच्छे से सुनना, 360 में पावर किसी भी कोर्ट को है, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर नहीं है
कि वो प्रोबेशन पे किसी पर्सन को रिलीज कर सके। लेकिन अच्छे से सुनना, अगर मैं बात करूं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन नंबर 4 की, तो एनी कोर्ट कैन पास ऑर्डर। ये कंक्लूजन कैसे निकाला? क्योंकि अब भी हम सेक्शन नंबर 11 पढ़ के आए हैं, वहां हमने पढ़ा कि सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 का ऑर्डर कौन पारित कर सकता है, सेक्शन नंबर 3 और 4 का ऑर्डर कौन पारित कर सकता है, वो सारे क्रिमिनल कोर्ट्स जो कि 26 में मेंशन्ड है। और 26 कौन सा? 26 CRPC का। 26 CRPC क्या कहता है कि अगर आईपीसी का ऑफेंस हुआ है या कोई भी ऑफेंस हुआ है तो हाई कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स को डील कर सकता है या वो सारे कोर्ट्स डील कर सकता है जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है। और शेड्यूल 1 में कौन मेंशन है? मैजिस्ट्रेट्स हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड कास्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, बराबर। यस, क्लियर? आप समझ आया? अब समझ आया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 360 में प्रोबेशन पे किसी को रिलीज नहीं कर सकता, लेकिन सेक्शन नंबर 4 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास रिलीज कर सकता है। मैम, आपने ये कंक्लूजन कैसे निकाला? मैंने ये कंक्लूजन ऐसे निकाला कि सेक्शन नंबर 11 कहता है ना कि ऐसा कोई भी कोर्ट जो कि ऑफेंस ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है या फिर पनिशमेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो 3 या 4 का ऑर्डर दे सकता है, ऐसा सेक्शन नंबर 11 में दिया। और कौन से कोर्ट कॉम्पिटेंट है क्रिमिनल मैटर्स को डिसाइड करने के लिए? सेक्शन नंबर 26 CRPC। सेक्शन नंबर 26 CRPC को किसके साथ पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 6 ऑफ CRPC, जिन्होंने बताया क्रिमिनल कोर्ट्स कौन है, तो उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इज आल्सो अ क्रिमिनल कोर्ट जिसके पास पावर है कि 1 ईयर तक का पनिशमेंट दे सकते हैं। डन, ओके। लोकेश जी, मैंने सुन लिया एक बार, है ना, मैंने सुन लिया। अब देखो, गुजराती लैंग्वेज का सोल्यूशन तब होगा व्हेन वी हैव अ गुजराती फैकल्टी। अब ना तो मैं गुजराती हूँ, ना हमारे दूसरे टीचर्स गुजराती है, ठीक है? तो गुजराती लैंग्वेज को डील करने के लिए ऐसे थोड़ी ना है कि मैं कुछ भी आपको गुजराती में पढ़ा दूं, जब तक मेरा कोई चीज में एक्सपर्टीज नहीं मैं क्यों पढ़ाऊं, है ना? अनटिल अनलेस वी हैव प्रॉपर रिसोर्सेज, तब तक नो कमिटमेंट्स। ओके, क्लियर? मिल गया जवाब? चलो अब चले आगे। ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन 360 ये बोलता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को अगर लगता है कि ऐसा प्रोबेशन पे किसी पर्सन को रिलीज करना चाहिए तो वो अपने ऊपर वाले कोर्ट, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को मैटर रेफर कर देगा कि मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपको बेनिफिट देना चाहिए, तो काइंडली कंसिडर है, बराबर चीज। अब देखो सेक्शन नंबर 360 का सबसेक्शन 10 क्या बोलता है? ये बोलता है कि सेक्शन 360 का कोई भी इफेक्ट 3 चीजों पे नहीं होगा। पहला, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, क्या मुझे इसको कनेक्ट करना चाहिए सेक्शन नंबर 19 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट? क्योंकि दोनों उल्टी बात बोल रहे हैं। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का सेक्शन 19 एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेशन के वक्त मैंने बताया, सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी पे अप्लाई नहीं होगा। एंड सेक्शन 360 सबसेक्शन 10 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है कि सेक्शन 360 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सो यहां पे सेक्शन नंबर 360 ऑफ सीआरपीसी के पास जाके सबसेक्शन 10 के पास जहां प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लिखा है वहां लिखना रीड विद सेक्शन नंबर 19 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। दूसरा बोला है सेक्शन 360 चिल्ड्रन एक्ट 1960 पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पे अप्लाई नहीं होगा। नाउ चिल्ड्रंस एक्ट 1960 इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्लियर? ओके, सबको समझ आ रहा है? एंड लास्ट पॉइंट बोला है कि 360 ऐसे लॉज पे अप्लाई नहीं होगा जो कि ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन ऑफ यूथफुल और यूथफुल ऑफेंडर्स से रिलेटेड ऐसा कोई भी लॉ है तो वहां पर 360 अप्लाई नहीं होगा, वहां पे कोई प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब जब हमने सबसेक्शन 1 में प्रोबेशन पे कैसे रिलीज होता है 360 में ये पढ़ लिया, तो अब पढ़ते हैं कि एडमोनिशन पे कैसे रिलीज होगा। तो हमें इसको किसके साथ पढ़ना है? सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जहां पे हमने क्या बोला कि 379 का ऑफेंस क्या है, 380 का क्या है, 381 का क्या है, या फिर 404 का क्या है, या फिर 420 का क्या है, या फिर ऐसा ऑफेंस क्या है जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा की नहीं है। ये स्कोप है हमारे सेक्शन नंबर 3 का। अब पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 360 ऑफ सीआरपीसी में सबसेक्शन 3 में जब एडमोनिशन पे रिलीज कर रहे तो कौन से ग्राउंड्स होते हैं, क्या ऑफेंस हो सकता है। तो वहां ये बोला अगर भैया थेफ्ट किया, थेफ्ट इन बिल्डिंग किया, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया, चीटिंग किया, मतलब सारे प्रोविजंस लगभग सेम है, और आईपीसी में ऐसा कोई भी ऑफेंस किया जो 2 ईयर से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं देता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, या फिर ऐसा ऑफेंस किया है जहां पे आपको पनिशमेंट सिर्फ फाइन की दी है और कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है। और हमने सेक्शन नंबर 3 में जब पढ़ा तो मैंने आपको बोला कोर्ट क्या कंसिडर करता है, दैट देयर इज नो प्रीवियस कन्विक्शन। तो उस केस में कोर्ट सेक्शन नंबर 3 में एडमोनिशन पे रिलीज करेगा, और यहां इन सारे ग्राउंड्स पे क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, आपके एडमोनिशन पे रिलीज करेगा। सो अब मुझे ये बताओ
अब मुझे ये बताओ कि सेक्शन नंबर 360 के सब सेक्शन 3 में जो एडमोनिशन की सिचुएशन दे रखी है, का स्कोप दे रखा है, और सेक्शन नंबर 3 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में दे रखा है, सिमिलर है कि नहीं है? ऑलमोस्ट सिमिलर है, यस और नो? यस और नो? अब हालांकि इन्होंने यहाँ पे एक्सक्लूसिवली सेक्शन नंबर मेंशन नहीं किया, दिस वी नीड टू फाइंड एन आईपीसी, बट इफ वी कंसिडर दिस पॉइंट एंड इफ वी कंसिडर दिस पॉइंट, द स्कोप इज ऑलमोस्ट सेम, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है. ठीक है मैम, आप तो फैकल्टी, मेरा काम थोड़ी है फैकल्टी को रिक्रूट करना या फैकल्टी पकड़ के लेके आना. इट इज द जॉब ऑफ पीडब्ल्यू एंड अ रिक्रूटिंग अथॉरिटी, मैनेजमेंट एचआर अथॉरिटी, इट इज माय कोऑर्डिनेटर्स जॉब. ठीक है, चलो आपको मुझसे कुछ पढ़ना है वो बोलो. ठीक है, क्लियर है? एंड यस, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंसिडर, इट्स नॉट दैट वी विल नॉट यू नो ब्रॉडन आवर स्कोप्स, वी आर गोइंग टू वर्क लिमिटलेस, है ना? तो सब जगह धीरे धीरे सारे स्टेट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ना. ओके बराबर, ठीक है. सो दिस इज योर 360 एंड सेक्शन नंबर 3 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. लेकिन उसको कंसीडर क्या करेंगे? एज करेंगे, कैरेक्टर करेंगे, एंटीसीडेंट्स ऑफ योर ऑफेंडर करेंगे, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ ऑफेंडर भी हम देखने वाले हैं, ट्राइबल नेचर ऑफ ऑफेंडर्स. ट्राइबल नेचर क्या होता है? मतलब ट्राइबल नेचर ऑफ ऑफेंस, मतलब कि सेक्शन नंबर 95 आईपीसी कोई ट्राइबल ऑफेंस तो नहीं है, तुच्छ सा कोई ऑफेंस तो नहीं क्या, छोटा जिससे कोई हार्म नहीं है ना, डीमिनिमाइज. तो ऐसा अगर ऑफेंस है तो मतलब फिर तो कोई मतलब यहाँ पे रिलीफ मिलेगी नहीं मिलेगी कोर्ट देखने वाला, एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑफेंस. तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद कोर्ट सेक्शन नंबर 360 सब सेक्शन 3 में क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, बेनिफिट देने वाला है. ठीक है, यस यस यस, मैं डेफिनेटली मैनेजमेंट तक बात जरूर पहुंचा दूंगी. ओके पढ़ने आए हो पढ़ लो अभी, है ना, रिकमेंडेशंस बाद में, ये पहले सेक्शन ये पढ़ लो, ये गुजरात में आने वाला है, रिकमेंडेशन रह जाएगी, ये नहीं पढ़ोगे तो फिर वहां महसूस होगा कि जो कर सकते थे वो तो हमने किया नहीं. ओके यस कृति जी, बताओ क्वेश्चन बताओ फटाफट. हमने सेक्शन नंबर 360 को भी रिवाइज कर लिया है, नाउ वी विल कम टू द डिफरेंसेस. मैंने ये डिफरेंसेस की टेबल आपको पहले क्यों नहीं दिखाई? ये डिफरेंसेस की टेबल दिखाती तो शायद आपको बहुत ज्यादा इलॉजिकल लगता कि मैम ये क्या है, इट इज नॉट प्रूव्ड. अब ये जब आप पूरी टेबल पढ़ोगे यू विल रियलाइज दैट यस वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग. सेक्शन नंबर 360 सीआरपीसी में इसका नेचर देखो, ये कैसे नेचर का है, जनरल प्रोविजंस दे रखा है एज टू रिलीज ऑन प्रोविजन ऑफ एडमोनिशन. लेकिन प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कैसा है, थोड़ा स्पेशल लॉ है, स्पेशल इन नेचर है. कैटेगरी देखें तो 360 में दो कैटेगरीज हैं. दो कौन सी कैटेगरीज हैं? सेक्शन नंबर 360 में ही प्रोबेशन के बारे में भी बता दिया और एडमोनिशन के बारे में बता दिया. लेकिन अगर बात करें हम सेक्शन नंबर 4 की तो कोई दो कैटेगरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेशन के बारे में बताया है और सेक्शन नंबर 3 में एडमोनिशन के बारे में बताया. अब ये सोचो 360 और सेक्शन नंबर 4 का ही क्यों डिफरेंस है? क्योंकि फर्क तो उन्हीं दो सेक्शन में है ना. सेक्शन नंबर 360 का सब सेक्शन 1 जो कि प्रोबेशन पे रिलीज करने की बात करता है, सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो कि प्रोबेशन पे रिलीज करने की बात करता है, डिफरेंस इन दोनों में है. 360 के सब सेक्शन 3 और सेक्शन नंबर 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में तो फर्क ही नहीं है. तो डिफरेंस हमें वहीं पढ़ना है जहां पे फर्क है. ओके रिपोर्ट की बात करें, सेक्शन नंबर 360 में प्रोबेशन ऑफिसर कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रहा है, लेकिन सेक्शन नंबर 4 में प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करता है और कोर्ट उसको कंसिडर करेगा. सेक्शन नंबर 360 में कोई सुपरविजन ऑर्डर पास करने के बारे में कोर्ट नहीं बताता है, लेकिन सेक्शन नंबर 4 में सुपरविजन ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है और मिनिमम टाइम पीरियड क्या है, 1 ईयर. सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट को 360 में पावर नहीं है, नॉट एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, वो कॉम्पिटेंट नहीं है प्रोबेशन का बेनिफिट देने के लिए. लेकिन सेक्शन नंबर 4 में इट इंक्लूड सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट ऑल्सो. वाई? बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 11. Read with section number 11 of Probation of Offenders Act. Read with section number 26 and section number 6 of CRPC. जब सेक्शन नंबर 4 में प्रोबेशन पर रिलीज कर दिया और उसका बिहेवियर अच्छा है तो फिर हम उसको एडमोनिशन पर रिलीज कर सकते हैं क्या? दिस इज कंप्लीटली अप टू द कोर्ट कृति जी, दैट वंस दैट पर्सन कम्स बैक टू गो थ्रू द पनिशमेंट दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम. जितना टाइम पीरियड का प्रोबेशन था वो कंप्लीट करके जब कोर्ट में आए हैं एंड कोर्ट ने सुपरविजन ऑर्डर को कंसिडर किया जो कि प्रोबेशन ऑफिसर को हमने दिया था और उससे लगा कि नहीं भाई सदाचारण उसने दिखाया है, गुड कंडक्ट है, तो उसको एडमोनिशन पे रिलीज कर सकते हैं. ओके क्लियर बराबर. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अब आपको ये पूरा डिफरेंस समझ आया? अब मुझे ये बताओ, पहले ही मैं अगर आपको ये डिफरेंस दिखा देती और 360 और सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 3 कंपेयर करके नहीं पढ़ाती तो क्या आपको ये पॉइंट समझ आता? मैम ऐसे कैसे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट यहाँ पे एम्पावर्ड नहीं और यहाँ पे कैसे एम्पावर्ड है? सुपरविजन ऑर्डर, प्रोबेशन ऑफेंडर और ये कैटेगरी. अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ वी विल फटाफट से मूव ऑन टू केस लॉज, जो कि आपके आने की उम्मीद बहुत कम है लेकिन फिर भी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है. कीवर्ड्स हाईलाइट करते हुए चलेंगे.
केशव सीताराम और सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस, सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, ओके। केशव सीताराम सली वर्सेस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 में कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर आप पेटी थेफ्ट की बात करते हो, देन हाई कोर्ट क्या कर सकता है, सेक्शन नंबर 360 या सेक्शन 3 या सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का क्या कर सकता है, बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि थेफ्ट को क्या माना गया है, एक तरीके का पेटी ऑफेंस माना है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, ओके। अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या बोला गया, दैट ये जो हमारा एक्ट है, कौन सा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट ऐसे पर्सन को हम नहीं दे सकते जिसने ऐसे एक्ट में इंडल्जमेंट किया है जो कि एक्सप्लोजिव सिचुएशन का है, लीडिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनल टेंशन, मतलब बमबारी वगैरह कर रहे हो आप, टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हो, उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके। दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें क्या बोला गया कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट आप ऐसे पर्सन को नहीं देंगे जिसने 304A ऑफ आईपीसी में ऑफेंस किया है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो अगर उसका पनिशमेंट देखें तो हमें लगता है कि हाँ बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसे मामले में हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट नहीं देंगे। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ए चौहान 1983, सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, कोर्ट ने ये बोला प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट आप ऐसे पर्सन को नहीं दे सकते हो जिसको कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला है, और यही तो हमारा सेक्शन नंबर 4 भी बोलता है कि डेथ और एलआई मिला है तो आप प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दे सकते हो, ना ही सेक्शन नंबर 360 सबसेक्शन 1 में हम प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकते हैं ऐसे पर्सन को जिसको कि लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ का पनिशमेंट मिला है, ओके। नेक्स्ट, फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1918, कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 4 है दैट शुड नॉट बी मिस्टेकन एज एज लीनियंसी नॉर इट शुड बी अप्लाइड लीनियंटली। सेक्शन नंबर 4 को आप ऐसे किसी भी मामले में अप्लाई करके किसी पर्सन को प्रोबेशन में मत छोड़ दीजिए, बिकॉज आपको अनडिजर्विंग केसेस भी देखने हैं। कुछ केसेस हैं जहां पे अक्यूज डिजर्व नहीं करता है, जैसे कि ऐसा ऑफेंडर जिसने अपने अर्ली 20s में, भले ही वो 21 साल का पूरा नहीं हुआ है, तो भी आप सेक्शन नंबर 4 का बेनिफिट नहीं देंगे इफ ही हैज कमिटेड अ रेप ऑन हिज नेबर्स वाइफ, मात्र क्योंकि 21 से कम है आप उसको बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। यस यस आचल जी, वैसे आपको पूरा सेशन अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ जो है पीडीएफ आपसे डाउनलोड कर लीजिएगा, बट एक बार केस लॉ करा दूं फिर मैं आपको वापस से वो पॉइंट दिखा दूंगी, ठीक है। श्रीमती देवकी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यहाँ पे कोर्ट ने बोला सेक्शन नंबर 4 का बेनिफिट हम ऐसे ऑफेंडर्स को नहीं देंगे जो कि एबिनॉमिनल नेचर है, ठीक है, एबोमिनियल इन नेचर है। अब ये कैसे कल्प्रिट्स होते हैं जिनमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, प्लस ऐसा जो कि गिल्टी फाउंड हुआ है ऑफ अबडक्टिंग अ टीनेज गर्ल एंड फोर्स हर सेक्सुअल सबमिशन विद द कमर्शियल मोटिव। तो सीधा है कि रेप के मैटर्स में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के मैटर्स में, मर्डर के केस में, अबडक्शन के केस में, किडनैपिंग के केस में, या फिर फॉर दैट पर्पस फिटिसाइड के मैटर में, या फिर ग्रीवियस हर्ट के मामले में प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। थैंक यू मिनतुर रहमान जी। चलिए लास्ट टू सेगमेंट वी हैव, लास्ट टू केस लॉज, दैट इज राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कोर्ट ने ये बोला सेक्शन 3 और सेक्शन नंबर 4 में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस लेड डाउन। लिमिटेशंस दे रखी है, लिमिटेशंस कौन सी है, अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, द सेक्शंस व्हिच मेंशन द पनिशमेंट्स ऑफेंसेस, उनके अलावा आप कहीं और पे उसका बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। द वर्ड मे इन सेक्शन नंबर 4 डज नॉट मीन मस्ट। मे कैसा है, मे डिस्क्रिशनरी है, में डिस्क्रिशनरी है, दैट इज सेक्शन नंबर 4 ऑफ सेक्शन नंबर 4 मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट, गीतिका बख्शी वर्सेस सुब्बाराव बख्शी, जो कि बताता है कि मे और शैल में क्या फर्क है। शैल इज ऑब्लिगेटरी इन नेचर, मैंडेटरी, बट मे इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर, ओके। दौलत राम वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला गया जो सेक्शन 6 है, जहां रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं सेक्शन नंबर 6 में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में, हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि जो 21 साल से कम पर्सन है उसको आप तब तक ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं देंगे जब तक आप ये सेटिस्फाई नहीं कर ले कि भैया वो सेक्शन नंबर 3 और 4 का बेनिफिट तो लेता है ना, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप कुछ चीजों को कंसिडर करने के बाद उसको इंप्रिजनमेंट में भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आर नॉट टू सेंड अ जुवेनाइल टू जेल फॉर ओपन स्विच और नॉट टू वॉरंट इंप्रिजनमेंट, ठीक है। ये इंश्योर करना है कि जुवेनाइल्स को आप सेक्शन नंबर 6 में रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई है ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जुवेनाइल्स को हमें डायरेक्टली जेल में नहीं भेजना है या उसको लाइफ के लिए इंप्रिजनमेंट नहीं देना है, विद द व्यू टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कंटामिनेशन।
ये इसलिए आपको करना है, सेक्शन नंबर सिक्स में आपको जो रेस्ट्रिक्शन दे रखी है कि डायरेक्टली आप सेंटेंस के लिए मत भेजो, पहले कंसिडर करो सेक्शन नंबर थ्री और फोर का बेनिफिट देना है नहीं देना है, वो इसलिए ताकि हमें ये मेक श्योर करना है कि वो कुछ हार्डेंड क्रिमिनल के साथ, हार्ड कोर क्रिमिनल के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए, एंड ये प्रोविजन हम इंश्योर कर सके कि जो प्रोविजन थ्री और फोर में है वो लिबरल कंस्ट्रक्शन के लिबरली आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द स्पिरिट एम्बॉडीड, स्पिरिट मतलब ऑब्जेक्टिव, जो इस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए आप सेक्शन नंबर सिक्स का लिबरल कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि जुवेनाइल को हमें क्या करना चाहिए, बेनिफिट देना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे, फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो 1980 में बोला गया था, क्या बोला, इवन इफ पर्सन अपने अर्ली 20s में है और उसने इतना घिनौना काम किया है ना, ऑफेंस किया है रेप का, हम उसको लीनियंटली डील नहीं करेंगे और सेक्शन नंबर फोर का बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन सेक्शन नंबर सिक्स में एक बार कंसिडर तो कर ले, कंसिडर कर सकते हैं, ये पॉइंट आपके दौलत राम में बता रखी है। वापस से बता दूं, ये हमारा पूरा स्केड्यूल रहने वाला है। कल हम एनआई एक्ट डील करेंगे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर नंबर 17 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चैप्टर नंबर 17 गुजरात के स्टूडेंट्स हमें को 20 तारीख को मिलेंगे, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। हालांकि आपको चैप्टर नंबर 17 पढ़ना है जो कि गुजरात में आता ही आता है, आपको कंप्लीट एनआई तो कराऊंगी कराऊंगी, कंप्लीट एनआई के वक्त हो सकता है मैं चैप्टर नंबर 17 को डील ना करूं, तो चैप्टर नंबर 17 को यहां पे आके जरूर एक बार पढ़ लेना, ओके। फिर हम इमोरल ट्रैफिकिंग को डील करेंगे एंड उसके बाद ये हमारा पूरा सेगमेंट रहने वाला है, ओके। सेशन पसंद आया है तो लाइक चैट में नहीं कमेंट करके बाद में जरूर बता देना, ओके। चलो फटाफट से एक रैपिड रिविजन हो जाए, फटाफट से रिविजन हो जाए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सेक्शन नंबर 1 से लेके 19 तक मैं फटाफट से रिविजन करा रही हूँ, अच्छे से सुन लो। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक्स को अच्छे से ध्यान रखना, डेट ऑफ कमेंसमेंट, नंबर, एक्ट नंबर, एक्ट नंबर 20, आपके स्टेट में कब ये कमेंसमेंट हुआ, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर हमने पढ़ा था इसकी एप्लीकेशन एज वेल एज नॉन एप्लीकेशन, सेक्शन नंबर एप्लीकेशन में कौन सा पढ़ा, 1 पढ़ा, 18 पढ़ा और 19 पढ़ा। 19 में क्या पढ़ा कि 360 पे अप्लाई नहीं होगा, 18 में पढ़ा कि बॉर्डर स्कूल हो गए, रिफॉर्मेटरी स्कूल हो गई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, उस पर अप्लाई नहीं करने वाला है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस का बारे में बताया है जो कि आपके इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। सेक्शन नंबर 3 में हमने एडमोनिशन के बारे में पढ़ा, 4 में हमने प्रोबेशन के बारे में पढ़ा, 5 जो कि हमने तीनों साथ में पढ़े थे, इसमें कॉम्पनसेशन और कॉस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने सेक्शन नंबर 6 पढ़ा जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है कौन से मामले में, ऐसा पर्सन जो कि 21 ईयर से बिलो इंप्रिजनमेंट दिया जा रहा है। सेक्शन नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रखनी है। सेक्शन नंबर 8 में हमने पढ़ा वेरिएशन अगर हमें करना है कंडीशन में तो वो अलाउड है। सेक्शन नंबर 9 में क्या पढ़ा, अगर फेलियर कर दिया आपने कंडीशन को ऑब्जर्व करने में तो वहां पे क्या हो सकता है, या तो वारंट इशू किया जा सकता है या फिर समन भेजा जा सकता है आपको। सेक्शन नंबर 10 में श्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं और कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, 121 से लेके 124 ऑफ करंट सीआरपीसी 1973। सेक्शन नंबर 11 में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 11 में हमने पढ़ा अपील और रिविजन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 11, जनरली स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं समझते, समझ लेना अच्छे से। 12 में हमने क्या पढ़ा, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा है जो कि अटैच है किसी कन्विक्शन से रिलेटेड। 13 में हमने अपॉइंटमेंट किसके बारे में पढ़ा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। 14 में हमने उसी प्रोबेशन ऑफिसर्स की ड्यूटी के बारे में पढ़ा। 15 में हमने बोला कि प्रोबेशन ऑफिसर क्या होने वाला है, पब्लिक सर्वेंट होने वाला है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी। सेक्शन नंबर 16 में हमने क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 16 में हमने ये बोला है कि गुड फेथ में अगर कोई भी एक्ट किया है तो भैया उसको इम्यूनिटी दी जाएगी, कोई प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट नहीं होगी। सेक्शन नंबर 17 में हमने बोला रूल मेकिंग पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और 18-19 हम यहाँ पे ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सो दैट वाज ऑल इन द सेशन, मुझे लगता है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और साथ ही साथ सारे सेशंस जो हम अभी कर रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अगर नहीं बना पाते हो तो हमने व्हाइट स्लाइड्स पे इन सारे सेगमेंट को डील किया है, तो अगर आपको पीडीएफ निकालना है तो निकाल लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी पीडब्ल्यू ऐप पर। पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे आप, बैचेस को एनरोल करेंगे, मैं एग्जैक्टली बता दूंगी कि ये वाली पीडीएफ आपको कौन से बैच में मिलने वाली, क्या डिफरेंट बैच बनाया गया है या फिर सेम बैच बनाया गया, ओके। ये थोड़ी चीजें है ना क्विक या जल्दी जल्दी थोड़ा किया गया है, इसलिए आई एम नॉट श्योर कि कौन से बैच में ये स्लाइड्स और क्लासेस आपको मिलने वाली, मैं इंश्योर कर दूंगी आपको ग्रुप पे या फिर जब हम कल के सेशन में मिलेंगे तो वहां बता दूंगी। लेकिन आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, पीडब्ल्यू ऐप से ही मिलेगी, दैट इज फिजिक्स वाला ऐप डाउनलोड कीजिएगा, लॉ के सेगमेंट में जाएगा। अच्छा एक स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को रहती है कि मैम वहाँ कोड अप्लाई करने को बोल रहे, कोई कोड अप्लाई नहीं करना है वहां पे आपको, यहाँ पे एडुकेटर्स का कोई भी कोड नहीं है, ठीक है, नो सच कोड और नो सच सेल और वो सारा मामला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एडुकेटर्स का कोई भी कोड नहीं है, ना पीडब्ल्यू का खुद का कोई कोड है,
आप उसको इग्नोर करके सीधा एंटर कर लीजिएगा, एंड कोड इसलिए भी अप्लाई नहीं करना बिकॉज यू आर नॉट एनरोलिंग टू अ पेड बैच, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब आपको एनरोल करने के लिए अगर उसमें ऑप्शन दिखाते हैं तो आप ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, कोई पेमेंट नहीं कट ऑफ होगा। ठीक है, चलिए, सेशन पसंद आया है तो सभी स्टूडेंट्स सेशन को अच्छे से देखेंगे, और जब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो 2x पर भी एक बार सेशन को देख लीजिएगा। सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेगमेंट। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन।